लक्ष्मी लक्ष्मणो यस्य वामी च जनकात्मजा पुरुषो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्यमध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जगद्गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालयोः संयुक्त तत्वावधाने समायोज्यमानः संकाय विकास कार्यक्रमः इत्यस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं विश्वविद्यालयस्य यशस्विनः कुलपति महोदयः प्रोफेसर श्री राम युवक राम सेवक दुबे महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य समन्वयकः डॉक्टर राजधर मिश्र महोदयः संकाय निदेशक महोदयः डॉक्टर श्री विनोद कुमार सर महोदयः शिक्षा विभागस्य आचार्यः डॉक्टर दिवाकर मिश्र महोदयः ज्योतिष विभागस्य ज्योतिषविद आचार्यः डॉक्टर श्री कैलाश चंद्र सर महोदयः वेद विभागस्य आचार्यः डॉक्टर शंभु कुमार सर महोदयः ज्योतिष विभागस्य आचार्यः डॉक्टर शिवाकांत मिश्र महोदयः साहित्य विभागस्य अध्यक्षः डॉक्टर मधुबाला सर महोदयः अस्य कार्यक्रमस्य संयोजकः डॉक्टर श्री शशि कुमार सर महोदयः और अस्य कार्यक्रमस्य विशिष्टाः वक्ताराः राजस्थान विश्वविद्यालयतः स्वागताः डॉक्टर विजेंद्र कुमार सर महोदयः। एतस्मिन् कार्यक्रमे भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। आदौ अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षः विश्वविद्यालयस्य कुलपति महोदयः एतेषां स्वागतार्थम् अहं निवेदयामि डॉक्टर राजधर मिश्र महोदयः ते एतेषां स्वागतं करिष्यन्ति। सभादरणीय हमारे सभी के परम पूज्य माननीय कुलपति महोदय, हम अभी ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमारा बहुत विशिष्ट व्याख्यान चल रहा है और जिसका प्रारंभ हमने सुबह किया था और जिसकी चर्चा चल रही थी कि माननीय कुलपति महोदय जी की अध्यक्षता में उनके आशीर्वाद से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। केवल मैं कुलपति जी से निवेदन करना चाहूँगा, उनके चरणों में ये बात कहना चाहूँगा कि माननीय कुलपति जी शायद इस विश्वविद्यालय के 2023-24 का जो सत्रारंभ हुआ है वो आपकी शुभ संकल्पना से एक बहुत अच्छी गतिविधि के साथ में हुआ है, जिसमें यह प्रथम कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिस नई शिक्षा नीति के तहत हम अपने विश्वविद्यालय में विभिन्न कार्य योजना चलाना चाहते हैं, तो उसके आधार पर हम संस्कृत शिक्षा के जो हमारे आधुनिक चलाए जाने वाले विषय हैं उन विषयों को पाठ्यक्रमों को कहाँ तक विश्व स्तर पर कैसे ले जा सकें, अपने अध्यापकों की जो गुणवत्ता है, छात्रों की जो गुणवत्ता है, विश्वविद्यालय की जो बातें हैं उनको हम कैसे ऑनलाइन के माध्यम से, ई कंटेंट के माध्यम से, UGC के माध्यम, जो वेबसाइट जो प्रिस्क्राइब्ड है उस प्रिस्क्राइब्ड उस सब चीज़ों से मन से कैसे हम उसको कंटेंट को बनाए, कैसे उसकी वैधता तय करें, इन सब बारे में ये जो हमारे जो कार्यशाला है ये 7 दिन का, तो ये एक ऐसी कार्यशाला है जिस कार्यशाला में सारे विविध
जो नए आयाम संस्कृत के क्षेत्र में होने चाहिए विस्तार की दृष्टि, उस पर प्रत्येक दिन का एक एक विशिष्ट व्याख्यान चल रहा है। तो आज बहुत सौभाग्य की बात हुई कि हमारे बीच में राजस्थान विश्वविद्यालय से जो इस विभाग के इस विषय के अच्छे जानकार हैं, जिसका केवल शुभारंभ के समय में ही हम लोगों की इसकी गंभीरता की जानकारी प्राप्त हो गई, तो ऐसे हमारे बीच में ये विशिष्ट वक्ता के रूप में है और आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है इस प्रारंभ सत्र में ही, क्योंकि मुख्य विषय का प्रारंभिक सत्र यही है और इस सत्र में आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, इसी तरह से प्राप्त होता रहेगा। तो समस्त इस विश्वविद्यालय की तरफ से इस कार्यक्रम के समन्वयक होने के नाते हम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं और आपके आशीर्वाद की अनुशंसा आशीर्वाद की कामना करते हैं और माननीय कुलपति जी का जो हमें शुभ संदेश और शुभ आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो मैं समझता हूँ कि माननीय कुलपति जी से निवेदन करूँगा कि हमारे आज का विशिष्ट व्याख्यान एक बार कुछ हो जाए और उसके बाद में हमें आपका आशीर्वाद यदि प्राप्त होता है तो हमें और भी कैसे इस गतिविधि में आगे करना होगा। तो मुझे इतना समय आप जरूर दें कि एक विशिष्ट व्याख्यान जो अभी का है लगभग आधे पौन घंटे एक घंटे जो भी चलेगा, तो उसमें हमें आपका मार्गदर्शन आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी कामना के साथ मैं अभी फिलहाल इस कार्यक्रम के विशिष्ट वक्ता जो है जिस कार्यक्रम को हमने प्रारंभ किया था उस विषय की ओर सीधा आगे बढ़ते हैं। तो आइए स्वागत के साथ विजेंद्र कुमार शर्मा जी के साथ हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि इस मुख्य कार्यशाला के दूसरे सत्र में हम अभी उपस्थित हैं, सर्वप्रथम मैं माननीय कुलपति महोदय का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके दिशा निर्देश में उनके जो दृष्टिकोण से जो इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज के जो कि वर्तमान जो शिक्षा जगत में जो नए नए आयाम हो रहे हैं जिनको हमको इम्प्लीमेंट करना है बहुत ज़रूरी है। विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा में इस तरह के कार्यक्रम होने बहुत ही आवश्यक हैं। आज हर विषय में शिक्षा और शिक्षार्थी जो कि बहुत ही आगे पहुंच चुके हैं, कारण उसके कि हम समझ सकते हैं कि आज कंप्यूटर का युग है, डिजिटल क्रांति का युग है, आधुनिक युग में वर्तमान में जो कि अभी रिसेंटली जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नए नए जो उपयोग किए जा रहे हैं, वहाँ तक हमको पहुँचना है, वहाँ तक हमको पहुँचने के लिए जरूरी है कि जो कि ये जो शिक्षक शिक्षार्थी और शिक्षण पद्धति इनके बीच में जो जो गहरी खाई पड़ी हुई है इसको दूर करना, ताकि हम हमारा विषय हमारा जो कि विश्वविद्यालय जो कि वैश्विक मंच पर अपना स्थान स्थापित कर सके, वो जरूरी है कि उसके लिए कि हमको जो सूचना प्रौद्योगिकी में जो कि बुनियादी जो कुशलता है वो हासिल होनी चाहिए, उसके लिए शिक्षकों को विद्यार्थियों को शोधार्थियों को जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम में हेलो जरूरी है कि इस तरह के कार्यक्रम में बेस्ट आवाज सक्रिय रूप से भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। ऐसे कार्यशाला का जो कि मुख्य विषय मुख्य जैसा कि हम समझते हैं कि मुख्य का मतलब है कि वैध स्तर पर जो ऑनलाइन कोर्सेज है ओपन ऑनलाइन कोर्सेज उनके बारे में विस्तृत चर्चा करना, किस तरह से ये कोर्सेज में हम भागीदार हो सकते हैं, हम किस तरह से इसमें भाग ले सकते हैं, किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किस तरह से इन मुख्य कोर्सेज को हम बना सकते हैं और इनका क्या फायदा होगा, क्या लाभ होगा। मैं समझ सकता हूँ कि जैसा कि हमने पिछले सत्र में हमने चर्चा की थी कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि किसी भी राजस्थान में मैं समझता हूँ कि किसी भी विश्वविद्यालय में इन मुख्य कोर्सेज में अभी अपनी विशेष रुचि नहीं जताई है। हालांकि जैसे कि इस विश्वविद्यालय के जो कि शिक्षक हैं शोधार्थी हैं
विद्यार्थी हैं, काफ़ी जो मैंने सुना है कि स्वर्ण पदक हासिल कर किए हैं और काफ़ी जो प्रबुद्ध श्रेणी के हैं, लेकिन उस को हमको जो कि वैश्विक पटल पर लाने के लिए जो तरीके हैं, जो आवश्यकता है, उनको जानना बहुत जरूरी होगा। उसके लिए जरूरी है कि आज जो कंप्यूटर का युग है, ऑनलाइन युग है, अगर हम अपनी खुद की मार्केटिंग करना नहीं आएगा हमको, तो हम उस जो हमारे लक्ष्य हैं उनको हम हासिल नहीं कर पाएंगे। जरूरी है कि हमको इस खाई को मिटाने के लिए, जैसा कि पहले सत्र में मैंने बताया था कि शुरुआत संस्कृत भाषा से हुई, मैं थोड़ा मुझे जो कि मेरे स्तर पर मुझे असहज लगा, ठीक है, उसी तरह से हम अपने जो कि विषय में एक विद्वान हैं और उसमें अपने को, लेकिन फिर भी समस्या क्या है, हम दूसरे के जैसे और वैश्विक मंच पे जाने से वही घबरा, जैसे कि मुझे घबरा थी कि मुझे संस्कृत भाषा थोड़ी कम समझ में आई, तो जो मुझे असहजता हुई वैसे ही हमको वैश्विक मंच पर जो शैक्षिक जगत है उसमें अपनी पहचान बनाने में वो जो जो हिचकिचाहट है, जो असहजता है, वो क्यों, वो वाली खाई को हमको मिटाना है। उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के जो ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है, जो कि इनको भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इनको मान्यता प्रदान कर दी है 2016 में, जो UGC का जो स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था, जिसका नाम आप सभी जानते हैं स्वयं प्लेटफॉर्म, उसके साथ में कई और भी ऐसे इम्प्लीमेंट हैं, कई ऐसे प्रयास हैं गवर्नमेंट के जो कि सभी को जानना बहुत आवश्यक है, जिसमें मैंने कुछ पिछले सेशन में मैंने चर्चा भी की थी, जिसमें स्वयं प्लेटफॉर्म है, स्वयं प्रभा है, EPG पाठशाला है, शोध गंगा है, शोध गंगा पोर्टल, शोध गंगोत्री है, ई शोध चक्र अभी रिसेंटली अभी हाल ही में ई शोध चक्र लॉन्च किया गया, एक ई शोध शुद्धि भी है, लेकिन इनके क्या क्या यूज हैं, किस तरह से इनको यूज करना है, तभी हम उसे जो कि स्तर में आ पाएंगे। तो अभी की जैसे कि हम जो चर्चा चल है वर्तमान जो कि इस सेशन में जो हमको डिस्कस करना है कि किस तरह से मुख्य कोर्सेज को हम भागीदार हो सकते हैं, इनमें भाग ले सकते हैं और किस तरह से इनको विश्वविद्यालय स्तर पर शुरू कर सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर तो मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी जो कि विद्वान है, काफ़ी जो हमारे शिक्षक हैं उन्होंने शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन वो हमारे विश्वविद्यालय के लिए नहीं है, वो किसी दूसरे विश्वविद्यालय के जो भी सहयोगी जो शिक्षक हैं उनके साथ में जो कोऑपरेशन करके, उनके साथ में कोलैबोरेशन करके हमने वो शुरुआत की है, लेकिन वो व्यक्तिगत स्तर पर ही उनकी उपयोगिता है, विश्वविद्यालय स्तर पर उनका मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा वो नहीं यूज। तो आगे के हम इस सत्र में MOOCs की जो कि बुनियादी अवधारणाएँ और स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर जानने का प्रयास करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूँगा सर प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए। जी भारत के बाहर विदेशों में जो कि फॉरेन कंट्रीज है, विकसित के देश हैं, उन्होंने बहुत पहले इनकी शुरुआत कर चुके हैं, हम बहुत पीछे हैं। हमने 2016 से हालांकि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू कर दिया है, लेकिन फिर भी 7 साल गुजर जाने के बाद भी हमारे देश की खास जो ग्रोथ नहीं हुई है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो कुछ जो आइकन हैं, आप देख पा रहे हैं कि EDX, कोर्सेरा, उडेमी, उडा सिटी, ये कुछ ही नाम है। मैं समझता हूँ कि इनसे के बारे में आप शायद जानते हों, नाम सुने हों, नहीं सुने होंगे शायद, या किसी ने शायद सुने भी हों, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त जो कुछ टॉप प्लेटफॉर्म्स हैं MOOCs के। किसी भी कोई भी शिक्षार्थी, कोई भी विद्यार्थी, कोई शोधार्थी, कोई भी शिक्षक, जो भी कोई अपने इंटरेस्ट रखता है
कि मुझे इस विषय में सीखना है, और सीखने के बाद मुझे उसका एक सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री जो भी प्राप्त करना, इन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से वो हासिल कर सकता है अपनी समझ। इन प्लेटफॉर्म के ऊपर हम जाके देखते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज संचालित हैं। मैं समझता हूँ कि आप, क्योंकि अभी समय इतना है नहीं, और मैं समझता हूँ इन कोर्सेज, जो कोर्सेरा, उडेमी, EDX, इनको आप अपने स्तर पर इनको सर्च करें कि इनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या ये कोर्सेज जो हैं वो हमारे सब्जेक्ट के लिए कुछ यूजफुल हैं, तो हम उनको, उनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और हमारे जो विद्यार्थी हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आप इनमें भागीदारी करें। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान। हम जाएंगे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हम मान सकते हैं कि किसी की जॉब के लिए जाते हैं, नाम दिखाते हैं कि हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी से ये डिग्री की है, ठीक है, वो नहीं मानेंगे, उसके लिए अलग से चैनल होता है, उसके थ्रू फिर उनका काफ़ी लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर आपने कोर्सेरा से, EDX से कोई कोर्स किया, तो वो तुरंत एक्सेप्टेबल है इन इंटरनेशनल लेवल पे जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है। और इनमें हम कह सकते हैं कि जैसा कि पहले भी डिस्कस किया हमने कि कोरोना महामारी ने कितनी जगह सब दूरियाँ ख़त्म कर दी, कि जो डिस्टेंस था शिक्षा का, कि एक विद्यार्थी क्लासरूम में आकर, यूनिवर्सिटी में आकर, जो कि टीचर की उपस्थिति भी जरूरी है और विद्यार्थी की उपस्थिति भी जरूरी है, और तब जाके वो एक टॉक एंड चॉक मैनर से जो शिक्षा दी जाती है, और वो सब दूरियां ख़त्म होने के बावजूद भी हम किसी भी कोने से, चाहे शिक्षार्थी जब चाहे जब पढ़ सकता है, इसके भी अलग अलग मायने हैं, वो हम आगे देखेंगे। लेकिन जो भारत सरकार ने सन 2016 से जब देखा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना सब कुछ हो रहा है, तो 2016 से स्वयं प्लेटफॉर्म, अपना खुद का मुक्स प्लेटफॉर्म चालू किया। तो आप समझ सकते हैं कि हमने, हालांकि यूट्यूब के ऊपर वीडियोस काफ़ी मिल जाएंगे हर विषय के, हर टॉपिक के ऊपर, लेकिन क्या उन टॉपिक से हम सीख कर समझ हासिल कर सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन उनकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है। हम सीख कर अगर वहाँ किसी अपने कैरियर एडवांसमेंट में उनका यूज़ करें, या किसी कोई रिक्रूटमेंट में, कोई भर्ती में हम उनका यूज़ करें, या कोई आगे को उनसे कुछ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहें, नहीं पॉसिबल है। यूट्यूब कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, लेकिन ये स्वयं प्लेटफॉर्म जो है, प्रॉपर तरीके से जो गवर्नमेंट का एक स्ट्रक्चर्ड प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपको जो कि मुक्स के जो चार इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं, जिसमें मैंने पहले डिस्कस किया था कि वीडियोस, ई कंटेंट, डिस्कशन फोरम और असेसमेंट, इनका होना मैंडेटरी है, तभी वो मुक्स कहलाएगा। मुक्स तभी कहलाएगा जब चार ये कंपोनेंट्स हैं उस पाठ्यक्रम में, तो उसमें वीडियोज भी ज़रूरी है, उसमें ई कंटेंट भी ज़रूरी है। ई कंटेंट किसी फॉर्मेट में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होना चाहिए, वो ऑनलाइन भी होना चाहिए, क्योंकि हमने ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन कोर्सेज, ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक अवेलेबल ऑनलाइन कंटेंट, जो कि PDF फॉर्मेट में, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में, वर्ड फॉर्मेट में, एक्सेट्रा। एंड असेसमेंट के लिए हम जैसे कि क्वीज, अब ये ऑनलाइन क्वीज कैसे, क्यों, कब, कैसे बनाते हैं, ये काफ़ी लंबी प्रोसेस है, इसको सीखना होगा, तब जाके हम वो मुख्य धारा में आ पाएंगे। अभी तो एक इंट्रोडक्टरी है कि हम समझना चाहते हैं कि मुक्स है क्या आखिर में। तो जैसे कि इसमें, इस स्लाइड में मैंने बताया कि मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज आर ऑनलाइन एंड ओपन एक्सेस कोर्सेज, इट प्रोवाइड्स एन ओपन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्टडी ओवर द वेब, पूरे वेब, वेब मीन्स पूरे वैश्विक जगत में, जो कि एक शिक्षा का आपको एक माध्यम उपलब्ध करवाता है। मूक्स डेवलप बाई एक्सपर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट स्पेसिफिक फील्ड ऑफ यूनिवर्सिटीज। हम बात करते हैं कि मूक्स कौन बनाता है, मूक्स क्या हर कोई बना सकता है, नहीं, मूक्स बनाने के लिए भी जरूरी है कि किसी भी विश्वविद्यालय का, किसी भी शिक्षा का जो विषय विशेषज्ञ होना बहुत जरूरी है, मान्यता प्राप्त। नेक्स्ट प्लीज। जैसा कि इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि पूरा जो कि एक तरफ बुक्स हैं, एक तरफ आपका जो कि जो ट्रेडिशनल क्लासरूम है, एक तरफ बुक्स हैं, एक तरफ ट्रेडिशनल क्लासरूम है, उन पूरा का पूरा जो कि एक वैश्विक विश्व में समा गया। हम कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर की जो क्रांति है, डिजिटल क्रांति है, इसमें, इससे हम अछूते नहीं हैं। हम हमारे पास में हम हर वक्त हमारे पास में मोबाइल होता है,
हमको जरूरी है कंप्यूटर की, जो कि बेसिक कंप्यूटर के में हम कह सकते हैं एक कंप्यूटर प्लस इंटरनेट, इनको अपना हथियार बनाना होगा, इनसे अपने को दोस्ती करनी बहुत जरूरी है, इनसे दूर भागना नहीं है, मोटिवेशन बहुत जरूरी है कि हम सोचते हैं मोबाइल चलाना सबको आता है, मोबाइल में हम डेली यूज करते हैं, काफ़ी समय देते हैं, लेकिन कंप्यूटर में कितना समय देते हैं, कंप्यूटर में तरीके से कि हम सर्च क्या करते हैं, किस पर्पज से, उद्देश्यपूर्ण ढंग से उसका सही उपयोग करना बहुत जरूरी है। तो उद्देश्यपूर्ण ढंग से हमारे शिक्षा जगत में, हमारी शिक्षा को आगे जो शैक्षिक कौशल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कंप्यूटर का ज्ञान और इंटरनेट का ज्ञान होना। द टर्म मूक्स ओपन ऑनलाइन कोर्सेज वाज कॉइन्ड बाय डेवे कोनियर एंड बेन अलेक्सेंडर, दो एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने मूक्स की जो कॉन्सेप्ट को डेवलप किया था। मूक्स इज ए कैटेगरी ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज वेयर द पार्टिसिपेंट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड कोर्सेज कोर्स मटेरियल आल्सो आर डेवलप्ड एक्सेस द वेब। चलिए नेक्स्ट कीजिए सर। और भी हम समझ सकते हैं मूक्स के बारे में और डेफिनेशन, जैसा कि हमने हालांकि समझ चुके हैं इसकी बेसिक है क्या। मूक्स स्टैंड फॉर फुल फॉर्म इसकी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज है। दीज आर ऑनलाइन कोर्सेज डिजाइन फॉर अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन। जैसा कि हम विश्वविद्यालय में या किसी कोर्स को जब संचालित करते हैं तो उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, लेकिन मूक्स के लिए कोई बाध्यता नहीं है, वहाँ कितनी भी संख्या में पार्टिसिपेट, कोई भी जो भी इंटरेस्ट रखता है तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। एंड ओपन एक्सेस वाया इंटरनेट, और इंटरनेट के ऊपर इनको इनका अभिगम किया जा सकता है। की फीचर्स की हम बात करें कि इसके मूक्स आर एक्सेसिबल टू ए लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स फ्रॉम वेरियस जियोग्राफिकल लोकेशंस प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस इन लर्निंग। कहीं से भी विश्व के किसी भी कोने से कोई इसमें बाध्यता नहीं कि यहाँ भारत में बैठा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है या हार्वर्ड का अमेरिका का बैठा कोई, यहाँ अपना मूक्स अगर हमने अच्छे से चला लिया इक्विवेलेंट टू कोर्सेरा उडेमी EDX इसके तरह से, तो हम कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में, क्योंकि बाहर के विदेश के जो भी विद्यार्थी हैं वो हमारे यहाँ के मूक्स का जो पार्टिसिपेट करने लगे हैं। मैं समझ सकता हूँ कि अभी जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि अभी के जो कि भाषण में इसी जो वर्ष में डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की, सुना होगा सभी ने, इसी बजट भाषण में घोषणा की डिजिटल यूनिवर्सिटी की। डिजिटल यूनिवर्सिटी में हुआ क्या, डिजिटल यूनिवर्सिटी में पूरा टोटली सब कुछ एजुकेशन ऑनलाइन तरीके से। यहाँ हम बात करें जैसा कि मैंने कहा कि 2016 में जबकि 20% था वेटेज, और जो 2021 में इसका जो वेटेज बढ़कर 40% कर दिया गया, जबकि इस डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना के बाद में ये पूरा का पूरा 100% हो जाना है, तब हम समझ सकते हैं कि हालांकि कह सकते हैं कि जिनको नहीं अगर मोटिवेशन नहीं होगा ICT की स्किल से हम दूर भागेंगे, हमको अवेयर नहीं रहेंगे तो हम साइड कर दिए जाएंगे। साइंस में विज्ञान में एक आपने अगर हालांकि 10वीं क्लास तक आ जाता है, डार्विन की एक थ्योरी है, उसमें कहते हैं कि योग्यतम की उत्तर जीविका, इस प्रकृति में वही जो जीवित रह सकता है वही सर्वाइव कर सकता है जो उसके योग्य है, अन्यथा वो उसको प्रकृति ऑटोमेटिकली जो साइड कर देगी, उसको नष्ट कर देगी, जिसके कई एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं, जैसे कि डायनासोर से पहले अब नहीं रहे। तो सेम उसी तरीके से हमको भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जरूरी है कि जितना जल्दी हो सके, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी शुरुआत है, जहाँ से शुरुआत तो हो वहीं से शुरुआत हो जाती है नहीं, हालांकि हो सकता है कि पिछला अगर हम देखें कि 7 साल विलंब हो चुका, लेकिन अब शुरुआत है, तो मैं समझ सकता हूँ कि इसको मजबूती से शुरुआत करनी चाहिए और इम्प्लीमेंट करना चाहिए व्यक्तिगत स्तर पर भी, साथ में विश्वविद्यालय स्तर पर इसको स्थापित करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पर्पज मूक्स का, मूक्स एम टू डेमोक्रेटाइज एजुकेशन एंड मेक क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज अवेलेबल टू एनीवन विद एन इंटरनेट कनेक्शन।
पूरा लोकतांत्रिकरण कर दिया गया है पूरी सिस्टम का, कोई इसमें कोई बाधित, जैसे हम समझ सकते हैं कि इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने भी पार्टिसिपेंट इसमें भाग ले सकते हैं, कितने भी कहीं से भी ले सकते हैं, इसलिए जो कि दूरियों की, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस की, ये किसी की भी बाध्यता इसमें खत्म हो गई है। नेक्स्ट जरूरी है, देखिए मूक्स को हम समझ रहे हैं, मूक्स की हर एक पहलू को हम समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम सोचेंगे कि मूक्स में ऑनलाइन वीडियो बनाते हैं बस इतना ही, यूट्यूब पे डाल दिए, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यूट्यूब बहुत पहले से चलता आ रहा है, यूट्यूब पे अच्छे अच्छे विद्वानों की वीडियोज पहले भी हैं, लेकिन वो मूक्स नहीं है। मूक्स का स्ट्रक्चर होता है, मूक्स की जैसे डेफिनेशन में हम और इसको समझते हैं, मूक्स हैज अ स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। मूक्स मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज की एक स्पेसिफिक प्रेस्क्राइब्ड निर्धारित एक शुरू होने की दिनांक होती है और उसकी समाप्त होने की दिनांक होती है। और मूक्स से कंटेंट्स कंटेंट कोलाब्रेशन एंड असेसमेंट, इनका कॉर्पोरेशन भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, जैसे कि इसमें हम देख सकते हैं कि एम फॉर मैसिव, मैसिव में जरूरी नहीं कि 100 पार्टिसिपेंट भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, 10000 भी हो सकते हैं, 1 लाख भी हो सकते हैं, मोर देन 1 लाख भी हो सकते हैं। मैसिव वैश्विक स्तर पर इसकी पहुंच है। फॉर एवरीवन हु इज इंटरेस्टेड, जो कोई भी इसमें रुचि रखता है वो इसको ओपनली इसके लिए अवेलेबल है। ऑनलाइन का मतलब हम समझते हैं जरूरी है इसके लिए कनेक्शन इंटरनेट का होना, वेब के माध्यम से, वेब मीन्स इंटरनेट एंड कोर्सेज। इसमें जैसे कि एनरोलमेंट नंबर्स ओपन है सभी के लिए मैसिवली एनरोलमेंट ओपन, नो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन। इसमें देखिए कितनी इम्पोर्टेंट इस बात की गई है कि जो भी इसमें रुचि रखता है, हमने कहा कि जिसको कि बीए करनी है, जिसको एमए करनी है संस्कृत में, उसके लिए ज़रूरी है कि बीए में संस्कृत विषय हो, ठीक है। लेकिन कोई अगर किसी संस्कृत विषय में रुचि रखता है, तो संस्कृत विषय का कोर्स करना चाहता है, तो उसके लिए कोई योग्यता की कोई बाध्यता नहीं है, सभी के लिए ओपन है। ऑनलाइन है, फुली ऑनलाइन कोर्सेज है, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मल लर्निंग और करिकुलम बेस्ड लर्निंग दोनों ही हैं इसमें। फॉर्मल लर्निंग का तात्पर्य ये कि जो औपचारिक शिक्षा है वो भी है, और जो करिकुलम बेस्ड एजुकेशन है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में जो स्ट्रक्चर्ड जो सिलेबस होता है वो भी उस इसमें शामिल है। इट इज़ ऑनलाइन कोर्स एम टू अनलिमिटेड पार्टिसिपेशन एंड ओपन एक्सेस वाया द वेब, वेब के ऊपर इसके में अनलिमिटेड पार्टिसिपेट्स में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो से द बेसिक फिलोसॉफी मूक्स इज थ्री एस। बेसिक फिलोसॉफी अगर जो बुनियादी इसकी इसका दर्शन देखें हम, तो एनी टाइम एनी वन एंड एनी वेयर, कहीं से भी कोई भी किसी भी वक्त इसको इसको यूज कर सकता, जो भी इसमें इंटरेस्ट लेना चाहे। और साथ में इसमें जब वो अपना पाठ्यक्रम में जब एनरोल करता है, एनरोल करने से लेकर उसकी समाप्ति तक अलग अलग स्टेप्स होते हैं, और स्टेप पूरी सब कुछ सफलतापूर्वक सभी चरणों को कंप्लीट करने के बाद में उसको औपचारिक रूप से जो कि विश्वविद्यालय में जो कि डिग्री दी जाती है, सेम उसी तरीके से इन मूक्स प्लेटफॉर्म के जरिए भी ऑनलाइन उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और जो जिसकी मान्यता जो पूरी मान्यता होती है, जिसको UGC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पूरी मान्यता देते हैं, और जो कि हमारे जो कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम एंड रिक्रूटमेंट और सभी में इनका जो वेटेज है। कोई अगर कोई स्टूडेंट कोई भी विद्यार्थी कोई कोर्स करता है, उसमें जैसा मैंने बताया कि कोई भी अगर किसी भी पाठ्यक्रम में 5 विषय हैं, 5 पेपर्स हैं, तो 5 पेपर्स में से UGC ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 40% की मैक्सिमम लिमिट दे दी है कि 40% कोर्सेज अगर ऑनलाइन अवेलेबल है मूक्स के ऊपर, उन 40% को अगर कोई शुरू कर लेता है और 30% वो ट्रेडिशनल क्लासरूम में यूनिवर्सिटी से करता है, तो उनको उनका इनकॉर्पोरेशन करके उसको वैलिड डिग्री यूनिवर्सिटी की तरफ से दे दी जाएगी। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, जो मूक्स कोर्सेज है इनका अगर हम वर्गीकरण करें, तो वर्गीकरण कर सकते हैं एक तो हम कि क्या ये फ्री होते हैं, कहीं कि ये धारणा होती है कि सारे मूक्स कोर्सेज फ्री होते हैं, नहीं, मूक्स कोर्सेज फ्री भी होते हैं तो पेड भी होते हैं, दोनों ही होते हैं, डिपेंड करता है कि वो उसका क्या क्राइटेरिया है। मूक्स कोर्सेज होंगे पेड भी हो सकते हैं फ्री भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्वयं
जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्लेटफॉर्म है MOOCs प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर सभी तरह के कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है स्वयं प्लेटफॉर्म। लेकिन इसी के जैसे और भी प्लेटफॉर्म्स हैं MOOCs के, जैसे आपने नाम सुना NPTEL, ये हालांकि स्वयं प्लेटफॉर्म से पहले का है, और जो स्पेसिफिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी फील्ड के जो भी इंटरेस्ट रखने वाले जो भी टीचर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वो पहले से ही है। और भी कई पहल की जा रही हैं, जिसमें से एक IIM बॉम्बे का भी एक इनिशिएट है, जिसमें मैं कहना चाहूँगा स्पोकन ट्यूटोरियल, जिसमें भी और ये देखिए कि जो प्रादेशिक भाषा है हमारे, जो कि अभी NEP 2020 में तो हम कह सकते हैं कि काफ़ी जोर दिया गया है, जो कि हमारी जो कि हिंदी लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज, जो कि प्रादेशिक भाषा के ऊपर कि कंटेंट उसके ऊपर बनाया जाए। हम सोचते हैं कि इंग्लिश भाषा का कंटेंट है और वो सबसे ज़्यादा सर्कुलेट होता है, लेकिन अगर हमको ये टेक्निक्स आ गई, ये बेसिक टेक्निक्स, तो हमको सर्कुलेट करने में, इनकी मार्केटिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना होगा। तो इसकी कैटेगरी में हम जैसे फ्री एंड ओपन पेड दोनों हो सकते हैं। अगर शेड्यूल वाइज देखते हैं तो हम ये शेड्यूल्ड भी हो सकते हैं एंड सेल्फ पेस्ट भी हो सकते हैं। शेड्यूल्ड का मीन्स है कि मान लीजिए आप एक MOOC कोर्सेज कंडक्ट करवाते हैं, चलाते हैं 3 महीने का एक MOOC कोर्सेज, तो शेड्यूल्ड का मीन्स है कि आपने अपने स्टूडेंट्स को, जो भी लर्नर्स हैं, एनरोल्ड लर्नर्स हैं, उनको बता दिया कि क्लास इस टाइम से इस टाइम होगी, उस टाइम के बाद में अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है, वो शेड्यूल्ड कोर्स है। सेल्फ पेस्ट कोर्स मीन्स कि वो आपने ओपन कर दिया उसको, स्टूडेंट जब चाहे जब उसको एक्सेस कर सकता है, जब चाहे मतलब वो चाहता है कि हाँ सुबह से लेकर शाम तक उसने पूरे दिन में काम किया, और बाद में या जो भी उसका फ्री टाइम है उस टाइम अगर वो उसको देखना चाहे तो वो सेल्फ प्लेस्ड है। और इंस्ट्रक्शन वाइज यूनिवर्सिटी कोर्सेज भी हैं और प्राइवेट फर्म्स की कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। नेक्स्ट लीजिए, ये इसकी जैसे MOOCs की उत्पत्ति के बारे में एक स्लाइड है कि MOOCs की उत्पत्ति जो शुरुआत में हिस्ट्री क्या हुई, इसकी नोटेबल जो पायनियर्स कौन हुए हैं, करियर हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट लीजिए, टाइप्स ऑफ MOOCs, दो तरह के MOOCs होते हैं, एक एक्स MOOCs एंड सी MOOCs, जिसमें सी एक्स MOOCs जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इंस्ट्रक्टर लेड कंटेंट असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन होता है इसमें, जैसे कि कोर्सेरा, EDX, उडासिटी, उडेमी, इनके ऊपर जो भी कोर्सेज है वो एक्स MOOCs कोर्सेज की श्रेणी में आते हैं। और सी MOOCs में कि सोशल लर्निंग के लिए कोई भी अगर पार्टिसिपेट करना चाहे, जरूरी नहीं है कि उसको सर्टिफिकेट चाहिए, वो जो कि सी MOOCs की श्रेणी में आते हैं। अगर यूनिवर्सिटी लेवल पे कोई कोर्सेज को संचालित करना तो वो एक्स MOOCs की कैटेगरी में उसको माना जाएगा। नेक्स्ट, MOOCs के क्या क्या फायदे हैं, हालांकि हम फायदे काफ़ी हद तक समझ चुके हैं तब जाके हम इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक्सेसिबिलिटी कि MOOCs कोर्सेज को जो कि कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, ऑनलाइन है, हर कोई लर्नर एक्सेस कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कब जब चाहे जब यूज़र इसको यूज़ कर सकता है, जब चाहे जब पढ़ सकता है, कहीं से भी, किसी भी टाइम, किसी भी वक्त, कोई भी। कॉस्ट इफेक्टिव, यूनिवर्सिटीज़ में हम कोई भी एडमिशन लेते हैं किसी कोर्स के लिए काफ़ी मोटी फीस लगती है, ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो बहुत ज़्यादा फीस लगती है, लेकिन यहाँ पे अगर MOOCs कोर्सेज में क्वालिटी कंटेंट, एक्सपर्ट जो भी सब्जेक्ट के विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा तैयार किया गया कंटेंट, ई कंटेंट, उनके लाइव वीडियोज़, और साथ में आपको डिग्री भी मिलती है, तो ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए भी ये एक इसका फ़ायदा है। बाइबल सब्जेक्ट, और इसमें हम कह सकते हैं कि कोई लिमिटेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी में तो है कि हाँ संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर संस्कृत विषय के ही कोर्स अधिकांश संचालित होंगे, और दूसरे विज्ञान के या सामाजिक विज्ञान के या इंजीनियरिंग के नहीं होंगे, लेकिन MOOCs में ये कोई बाध्यता नहीं है कि वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट की जो वाइड रेंज, वाइड टॉपिक्स, मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लिए हुए होते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये देखिए कि चैलेंज कुछ एक, हालांकि काफ़ी चैलेंज हम मान सकते हैं, लेकिन कुछ एक की यहाँ चर्चा कर सकते हैं। कंपटीशन रेट्स 2016 से लेकर, भारत की बात कर रहे हैं हम, जबकि इंडिया ने अपना खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया, बावजूद उसके इसकी जो कि पूर्ण करने की जो है
ये उसी कैटेगरी में हम समझ सकते हैं कि अगर कोई मैंने भी खुद ने मान लीजिए कि कोई भी एनी लर्नर एनरोल कर दिया, हाँ फ्री का कोर्स है, क्या पैसे तो लग नहीं रहे, जब चाहें जब देख लेंगे ऐसा, लेकिन वो जरूरी है कि उसको अपना शेड्यूल खुद का खुद के स्तर पर वो तैयार करके रखे, हाँ मुझे देखना तो देखना है, मुझे सीखना है इस टाइम सीखना है। लेकिन अधिकांश ये देखा गया है जो रिसर्च में सामने आया है पिछले वर्षों में कि मैनी लर्नर्स एनरोल, अधिकांश लर्नर एनरोल कर लेते हैं बट नॉट कंप्लीट द कोर्स ड्यू टू लैक ऑफ मोटिवेशन और टाइम कंस्ट्रेंट, समय की कमी और मोटिवेशन के अभाव में जो कि वो कोर्स को अधूरा ही छोड़ देते हैं। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि किसी कोई 1000 लर्नर एनरोल किया और वहाँ पर कोई मुश्किल से 100 लर्नर फाइनली कंप्लीट कर पाए कोर्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो एक क्योंकि फ्री है एजुकेशन, सब कुछ है, कभी भी कर सकते हैं, तो वहाँ खुद का डिसिप्लिन मायने रखता है। लैक ऑफ इंट्रैक्शन, ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज है। लेकिन देखिए ये जैसा कि लैक ऑफ इंट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ तक पहुँच चुके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक, एजेंसी तक, ऑनलाइन एजुकेशन तक, लेकिन जो शुरुआत का जो हमारा गुरु शिष्य परंपरा है, जो एक ट्रेडिशनल क्लासरूम का जो है, वो जाने वाला नहीं है, वो और जाने वाला नहीं है। हम सोचते हैं कि ये सब कुछ आ गया तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बुनियाद तो जरूरी है, हमने बिल्डिंग खड़ी कर दी, अगर बुनियाद नहीं रहेगी तो फिर तो बिल्डिंग ले जाएगी, इसलिए ये बुनियाद है लैक ऑफ इंट्रैक्शन। हालांकि मूक्स कोर्सेज में ये इंट्रैक्शन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, उसकी कमी हो गई है, तो इसको भी हम एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो उसकी उस चैलेंज को, उस कमी को हम कैसे दूर करें, ये भी एक एक शोध का विषय हो सकता है। और इसमें ज़रूरी है कि मोटिवेशन स्टूडेंट्स को और टीचर्स को दोनों को मोटिवेट होके और सक्रिय रूप से भागीदारी इसमें करनी पड़ती है। क्रेडिबिलिटी, वाइल मैनी मूक्स ऑफर सर्टिफिकेट्स द वैल्यू ऑफ सच क्रेडेंशियल्स कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म एंड कोर्स प्रोवाइडर्स। हम मान सकते हैं कि हाँ पहले पहले ये स्वयं का तो खैर गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपना, इससे पहले भी कई हैं, जैसे मैंने समझ लिया कि मैंने EDX से कोर्स तरह से कोई कोर्स किया, ठीक है, और वहाँ हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी तो उसको वैलिड मानती है, लेकिन हमारे सिस्टम है, हमारा गवर्नमेंट है, इंडिया गवर्नमेंट ये जो भी है, वहाँ उसकी कोई मान्यता नहीं है। वो भी एक क्रेडिबिलिटी का एक इशू है कि कहाँ कितनी मान्यता है। तो इसमें भी इसीलिए इसी इन सबको ध्यान में रखते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसकी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, लेकिन सभी को शिक्षकों को और शिक्षार्थियों को इसके बारे में जागरूक होकर इनमें भागीदार होना जरूरी है और इनको क्रिएट करना भी आना चाहिए कि मूक्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि पॉपुलर मूक्स प्लेटफॉर्म हम बता चुके हैं, कोर्सेरा, EDX, Udacity, ये वर्ल्ड वाइड मूक्स के प्लेटफॉर्म्स हैं। इम्पैक्ट ऑफ मूक्स ऑन एजुकेशन समझ सकते हैं इसको भी, वाइंडिंग एक्सेस, ब्लेंडेड लर्निंग, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। नेक्स्ट, ये देखिए ये एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। मूक्स को समझने से पहले हमको इन चार चीज़ों को, चार कंपोनेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। मूक्स तभी कंप्लीट होगा जब चार कंपोनेंट होंगे, वीडियो ट्यूटोरियल, ई कंटेंट, असेसमेंट में हम समझ सकते हैं कि MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और असाइनमेंट, जो स्टूडेंट्स को हम असाइनमेंट देते हैं ऑनलाइन असाइनमेंट, और डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम का क्या यूज़ है? डिस्कशन फोरम का यूज जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में हमने बात की थी लैक ऑफ इंट्रैक्शन की, लैक ऑफ इंट्रैक्शन की कमी को दूर करने के लिए डिस्कशन फोरम का भी इसमें प्रावधान किया गया है मूक्स में, तभी मूक्स कोर्स कंप्लीट माना जाएगा। कभी कोई स्टूडेंट को अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे होगा, ठीक है, उसका समाधान के लिए डिस्कशन फोरम है, वहाँ पर अपनी क्वेरी वो लाइव भी कर सकता है और उसमें ऑफलाइन भी कर सकता है, कि क्वेरी उसमें डाल दी, उसका रिप्लाई इंस्ट्रक्टर ने दिया जब उसको समय मिला, या कभी लाइव सेशन रखा तो कोई भी अगर कोई समस्या होती है तो डिस्कशन फोरम के माध्यम से उसका समाधान कर दिया जाएगा। तो ये चार कंपोनेंट्स वही हैं, चार क्वाड्रेंट जिनको बोलते हैं, फोर क्वाड्रेंट्स। नेक्स्ट, ये देखिए नोटिफिकेशन ऑफ स्वयं का, जो कि हाँ इसमें एक मिसिंग है, इसमें टाइपिंग एरर हो गया था,
इसके लिए क्षमा चाहूँगा मैं ऊपर द लिस्ट ऑफ स्वयं बेस्ड जो स्वयं के ऊपर जो कोर्सेज अभी अवेलेबल हैं, अब उनका जो कब से शुरुआत होती है, कब वो फिनिश होते हैं, इनका कुछ हमको अवेयर होना चाहिए। हर प्रतिवर्ष वो शुरू होते हैं लेकिन हमको पता नहीं कब शुरू होते हैं। उसकी जो रूपरेखा जो बना रखी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, UGC ने स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर, इसमें है कि बिफोर 1 नवंबर, अगर जनवरी सेशन है दो, इसमें है कि दो सेशन है, जनवरी सेशन और एक जुलाई सेशन, तो जितने भी कोर्सेज अगर आपको लॉन्च करने हैं यूनिवर्सिटी स्तर पर, अगर जनवरी सेशन के लिए लॉन्च करनी है तो आपको उनका इंटीमेशन जो स्वयं उनके जो नोटिफिकेशन निकलता है UGC का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वहाँ उनको इंप्लीमेंट करना होगा कि हमको इन कोर्सेज में जो कोलाब्रेशन करना है, तो उसके लिए 1 नवंबर को ही आपको उनको सूचना उससे पहले ही, तब जाके वहाँ से नोटिफिकेशन लगता है कि हाँ ये कोर्सेज वैलिड हैं। 1 नवंबर की डेट में वो नोटिफिकेशन जारी करता है और कोई भी एनरोल उसमें कर सकता है नवंबर से लेकर जनवरी के बीच में, तो जनवरी से लेकर फिर वो जब भी उसकी अवधि होती है 3 महीने 6 महीने तक वो संचालित होते हैं। और इसी तरह से जुलाई सेमेस्टर के 1 जून तक उनका नोटिफिकेशन निकल जाता है हर साल। नेक्स्ट, इसमें देखिए क्रेडिट ट्रांसफ़र का भी जो प्रोविज़न है, जैसा कि हम समझते हैं कि अगर आपने कोई कोर्स कर लिया, कोई एग्जांपल के लिए जैसे कि कोई भी मुख्य कोर्सेज में से किसी विषय का कोर्स कर लेता है और किसी उसको दूसरी डिग्री चाहिए, ठीक है, पर उसने वो विषय ऑलरेडी वो पढ़ चुका वो पेपर, तो वो क्रेडिट ट्रांसफ़र उसका उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इस तरह की कुछ इसमें बात की गई है कि ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन सेल विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ द स्वयं बेस्ड ऑनलाइन क्रेडिट कोर्सेज सेल कंसिडर थ्रू देयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज विच मे बी ऑफर्ड थ्रू द स्वयं प्लेटफॉर्म एंड कीपिंग इन व्यू देयर एकेडमिक रिक्वायरमेंट सेल डिसाइड अपॉन द कोर्सेज विच दे सेल परमिट फॉर क्रेडिट ट्रांसफर। इसमें कम से कम 4 वीक का जो कोर्स होता है जो उसका 1 क्रेडिट मानते हैं उसको। नेक्स्ट अभी और डिस्कस करेंगे, आगे कीजिए सर। क्रेडिट ट्रांसफर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अलाउ ओनली अप टू 40% ऑफ द टोटल कोर्सेज बीइंग ऑफर्ड इन ए पर्टिकुलर प्रोग्राम इन ए सेमेस्टर थ्रू द ऑनलाइन क्रेडिट कोर्सेज थ्रू द स्वयं प्लेटफॉर्म। जैसा कि हमने इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि जो 40% की इसमें अलाउ किया गया, कोई भी सेमेस्टर के लिए किसी भी कोर्स में 40% ऑनलाइन कोर्सेज स्वयं प्लेटफॉर्म से कोई भी कर सकता है। क्रेडिट ट्रांसफर द एकेडमिक काउंसिल में अलाउ द डीन एकेडमिक्स और चेयरमैन बोर्ड ऑफ स्टडीज टू अप्रूव द ऑनलाइन क्रेडिट कोर्सेज ऑफ स्वयं प्लेटफॉर्म फॉर क्रेडिट ट्रांसफर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। अब इसको शुरू कैसे करें, मतलब दो मायने बताए मैंने कि एक तो पार्टिसिपेट करना और एक इंप्लीमेंट करना यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर। इसमें यूनिवर्सिटी लेवल पर इंप्लीमेंट करने की बात की गई कि शुरुआत में तो एक विभाग जो भी कोर्स को संचालित करता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसके पास में इस तरह के पेपर जो कोई भी टीचर्स नहीं है या वो अलाउ करता है या रिक्वायरमेंट है, तो वो आगे जो अपनी जो BOS है या बोर्ड ऑफ स्टडीज है, एकेडमिक काउंसिल है, वहाँ पर उसको अप्रूव करवाना होगा। नेक्स्ट, फ्री फिजिकल इंस्ट्रक्टर। इस पूरी जो सिस्टम है यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स इनके बीच में जो भी समन्वय करने के लिए कोऑर्डिनेट करने के लिए एक फ्री फिजिकल इंस्ट्रक्टर की भी एक नियुक्ति की जानी चाहिए। द प्रॉपर एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ द ऑनलाइन लर्निंग ऑफ क्रेडिट कोर्स ऑफर्ड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म द पेरेंट इंस्टीट्यूशंस शैल इंश्योर दैट द फिजिकल इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर फैसिलिटीज लाइब्रेरी एक्सेट्रा एसेंशियल फॉर परस्यूइंग सच कोर्सेज आर मेड अवेलेबल फॉर फ्री एंड एडिक्वेट मेजर्स। तो ताकि बीच में कोई इंटरमीडिएट हो तो उनको फैसिलिटेट कर सके एक दूसरे को कि स्वयं को भी कोर्स करवाएं तो उनको भी इंटीमेट करना होगा कि हमारी ये कोर्सेज को अलाउ करना है या हम इन कोर्सेज को अडोप्ट करना चाहते हैं, अपने कोर्सेज हम चलाना चाहते हैं, उनको चलाने के लिए भी परमिशन लेनी होगी, या जो स्वयं के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल कोर्सेज हैं उनको भी अगर हम अपने कोर्सेज में उनको समायोजित करना है, अडोप्ट करना है, उसके लिए भी आपको इंटरमीडिएट का होना बहुत ज़रूरी है ताकि
जो इनको सही ढंग से इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट, नेक्स्ट कीजिए सर। जैसे कि नेक्स्ट कीजिए, इसमें वही बात है फैसिलिटेटर की। इसमें देखिए स्टूडेंट का जो मूल्यांकन वो भी सतत रूप से किया जाता है मूक कोर्सेज में, ये भी एक अनिवार्यता है। YouTube के ऊपर कोर्सेज देखते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज आर डिफरेंट फ्रॉम मूक कोर्सेज। ऑनलाइन कोर्सेज में ज़रूरी नहीं है कि चार जो हमने कंपोनेंट की बात की गई है वो हुई, उसमें जरूर उसमें हो गया कि ठीक है वीडियो दे दिए आपका एक टेस्ट करवा लिया और हो गया ऑनलाइन कोर्स। लेकिन मूक कोर्स में जो चार कंपोनेंट हैं, वीडियो एक वीडियो ट्यूटोरियल, एक कंटेंट असेसमेंट और डिस्कशन फोरम, ये जरूरी है। तो जैसे मैंने बताया कि असेसमेंट का ही पार्ट है कि स्टूडेंट का मूल्यांकन। द होस्ट इंस्टीट्यूशन एंड द कोर्स कोऑर्डिनेटर शैल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर एवेलेटिंग द स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड फॉर द टेट बेस्ड मूक ऑफर्ड ऑन सेम प्लेटफॉर्म। आपस में जो कि जो स्टूडेंट लर्नर जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसका सतत रूप से मूल्यांकन इसमें किया जाता है कि इसमें जो हर टुकड़ों में इसको वर्गीकृत किया गया है, डिवाइड किया गया है कि कोई भी कोर्स है एक वीक का कोर्स होगा। एक वीक में ठीक है किसी भी स्टूडेंट को एक घंटे या दो घंटे की क्लास लेनी होगी और जो सप्ताह के अंत में उसका असेसमेंट होगा। असेसमेंट में उसको जैसे क्विज के माध्यम से, ऑनलाइन क्विज के माध्यम से, या कोई उसको असाइनमेंट दे दिया कि असाइनमेंट उसको करना है मैनुअली, हैंड रिटन असाइनमेंट करना है या टाइप असाइनमेंट करना है, टाइप किया हुआ असाइनमेंट करना, फिर उसको सबमिट करना उस फॉर्म उस असेसमेंट पोर्टल के ऊपर, फिर उसका पूरा मूल्यांकन होता है कि हाँ किसने कितने ढंग से सही ढंग से उसको किया है। तो उसके आधार पर उसका जो भी इंस्ट्रक्टर होता है वो मार्किंग करता है और उसके बाद में उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है। नेक्स्ट, फाइनल असेसमेंट। इसमें भी ये है कि जो सतत रूप से जो मूल्यांकन किया जाएगा उसका अधिकतम जो वेटेज है, मैक्सिमम वेटेज 30% रखा गया, बाकी 70% जो वेटेज है जो फाइनल जो असेसमेंट होगा, फाइनल जो एग्ज़ाम होगा उसके बेसिस पे। और फाइनल एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, जब पूरा कोर्स फिनिश हो जाता है उसके बाद में जो भी एक डेट डिसाइड की जाती है उस डेट को एग्ज़ाम होता है। उस एग्ज़ाम को ऐसा नहीं कि कोई भी स्टूडेंट अपने घर से कर लेगा, क्योंकि वहाँ तो कोई इसकी मॉनिटरिंग नहीं रहेगी, वहाँ तो वो कहीं से भी जो ऑनलाइन गूगल से कहीं से भी कॉपी करके उसका आंसर लिख देगा। तो उसके लिए NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है वो उसको इसका जो जिम्मेदारी दी हुई है कि वो इन कोर्सेज को स्वयं के कोर्सेज को वो करवाए अपने स्तर पर। तो उसके लिए एक डेट डिसाइड की जाती है और स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। जैसे कि नेट के एग्ज़ाम होते हैं, स्टूडेंट को ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, वो पर्टिकुलर उस जो एग्ज़ाम सेंटर पे जाता है और वहाँ ऑनलाइन देता है पूरी मॉनिटरिंग में, पूरी निगरानी में। तो कोई संभावना नहीं है कि इसकी वैधता की इसकी कोई कि गलत तरीके से इसको कंप्लीट किया। नेक्स्ट कीजिए, ये वो सब बातें कर ली हमने। एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन और आफ्टर द कंडक्ट एग्जामिनेशन ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। सर्टिफिकेट रिगार्डिंग सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द सेम बेस्ड क्रेडिट कोर्सेज शैल बी साइंड बाय द नेशनल कोऑर्डिनेटर। अब इसमें भी देखिए, अभी जैसे कि हम बात करेंगे कि समय वैसे कम पड़ जाता है, काफ़ी कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि जो इसमें वर्ड लिखा गया नेशनल कोऑर्डिनेटर, सन 2016 में जो स्वयं प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया गया है उसके बाद से अभी तक 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है, जिनमें कुछ से के नाम बताऊं, पूरी लिस्ट हमको देखने को मिल जाएगी वहां पर जब मैं ऑनलाइन इसको एक्सेस करेंगे स्वयं का जो पोर्टल है। जैसे इग्नू है, CEC है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन के लिए कंसोर्टियम है, और NPTEL है, और IIT, IIM, कई जो कि नामी जो 9 नेशनल कोऑर्डिनेट्स है उनकी मध्यस्थता जरूरी है कि वो कोर्स जो संचालित करते हैं उनके अंडर में ही हमको अपना कोर्स संचालित करना है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने सुबह ही देखा था, मैंने सोचा संस्कृत विषय का कुछ देखो कुछ मिलता है क्या, संस्कृत विषय का स्वयं के ऊपर कुछ है क्या,
और मैंने देखा संस्कृत विषय का कुछ कोर्सेज हैं वहाँ पर, स्वयं के ऊपर कोर्सेज हैं, तो उन कोर्सेज को किसने चलाया, कैसे चलाया? फ़ायदा तो हम समझेंगे कि फ़ायदा तो उसका सबके लिए है, इंडिविजुअल खुद के लिए भी है, तो जिस पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन से उसने उसको किया है शुरू, उसको भी अपना वेटेज है, उसकी भी पर्टिकुलर उस सेल्फ खुद के कैरियर एडवांसमेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, और खुद की लर्निंग के लिए भी ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि इसको अपने विश्वविद्यालय स्तर पर इसको लागू किया जाना चाहिए। तो इसमें नेशनल कोऑर्डिनेटर और जो भी उसके लिए जो होस्ट इंस्टीट्यूशन का जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका सिग्नेचर किया हुआ सर्टिफिकेट पार्टिसिपेंट को प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, साथ में जो कि उसका पूरा ओवरऑल असेसमेंट कि उसने कितना, एक बात ये भी है कि कई ऐसे भी विद्वान हैं जो समझते हैं कि मुझे ये आता है, ठीक है, और वो उसकी उसको स्किप कर जाते हैं, उसको स्किप कर गए, और लेकिन वो उसका भी वो टोटल ओवरऑल परफॉर्मेंस में वो ऐड होगा कि आपने उसको देखा कि नहीं देखा, उसको वाच किया कि नहीं किया, इतनी मॉनिटरिंग भी है उसकी, पूरा उसका स्कोर बनता कि आपने इसको पूरा कंप्लीट वाच कर लिया या अधूरा वाच किया किसी भी वीडियो को। तो जब उसका पूरा हर एक मापदंड पे वो खरा उतरता है, जितना खरा उतरता है उसके आधार पे उसकी ग्रेडिंग दी जाती है, ए बी सी डी ई ओ ग्रेडिंग, आउटस्टैंडिंग जो सबसे हाईएस्ट ग्रेडिंग है आउटस्टैंडिंग ग्रेडिंग। नेक्स्ट, इसका वेटेज जो कि इक्विवेलेंट इसका मिलता है, जो भी आगे अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे उसके लिए इसका वेटेज मिलता है। नेक्स्ट लीजिए, हाँ, तो जैसा कि हम बात करते हैं कि स्वयं पोर्टल की, स्वयं पोर्टल क्या है, स्वयं भी एक अपना खुद का स्वदेशीय मुक्स प्लेटफॉर्म है जिसका फुल फॉर्म है स्वयं का SWAYAN, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये जो पहल है, ये जो प्रयास है, जो भारत सरकार की जो इफेक्टिव हायर एजुकेशन के लिए, जो ऑनलाइन लर्निंग के लिए, वो सभी सब्जेक्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट किसी के लिए भी जो शुरू किया गया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको नोटिफाई किया अपने UGC के क्रिएट फ्रेमवर्क फॉर ऑनलाइन लर्निंग कोर्सेज, तो स्वयं इसमें जो गजट ऑफ इंडिया भारत सरकार का जो राज्य पत्र है उसमें सन 2016 में 20 जुलाई 2016 को इसको जारी किया जा चुका है। शुरुआत में इसमें 63 MOOCs कोर्सेज जो लॉन्च किए गए थे, हालांकि अब काफ़ी संख्या में और भी इसमें बढ़ोतरी हो गई है। इसकी हम जो अपडेट संख्या देखना चाहें इसके लिए हमको स्वयं पोर्टल को एक्सेस करना होगा। नेक्स्ट, हाँ, यहाँ हम देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय यूनिवर्सिटी फॉर अडॉप्टिंग न्यू कोर्सेज ऑन स्वयं। सबसे पहले तो हमको अपने, हमने हालांकि डिस्कस कर चुके हैं इनको, लेकिन फिर भी एक स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा अगर यूनिवर्सिटीज को जो इनको अडॉप्ट करना है। फर्स्ट तो आपको अपने BOS में, अपने एकेडमिक काउंसिल में, अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की रिकमेंडेशन से, अपनी रिक्वायरमेंट से अमेंडमेंट करने होंगे अपने जो भी करिकुलम में, अपने स्ट्रक्चर में, पूरे जो सिलेबस में। सेकंड, सिलेक्ट ऑफ द कोर्स की रिक्वायरमेंट किस कोर्स की है, तो उस कोर्स को आपको सेलेक्ट करना होगा कहाँ से, स्वयं के ऊपर अवेलेबल कोर्स की जो लिस्ट है पूरी, उसमें से कि हाँ इन पांच में से दो कोर्स स्वयं के ऊपर है, ये यहाँ से कर लेंगे स्टूडेंट, तीन अपने यहाँ से कर लेंगे। तो वहाँ जो भी यूजफुल कोर्सेज हैं, जो हाई डिमांड कोर्सेज हैं, उनको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में थर्ड स्टेप में डेजिग्नेट कोर्स कोऑर्डिनेटर, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है उसको डेजिग्नेट करना होगा। नेक्स्ट, कोर्स रजिस्ट्रेशन, फिर आपको ये भी जरूरी है कि कोर्स रजिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स उसमें एनरोल करें। मान लीजिए कि कोई कोर्स चलाते हैं हम NEP 2020 में, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई मल्टीपल चॉइस क्रेडिट सिस्टम की जो अप्रोच है वो समझ सकते हैं, उसमें सेमेस्टर बेस्ड सिस्टम है, उसमें आपको चॉइस बेस्ड है, उसमें आपको कोर कोर्स के अलावा जो आपको इलेक्टिव कोर्स कोर्सेज की भी उसमें महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इलेक्टिव कोर्सेज में समझ सकता हूँ कि आप समझते होंगे इलेक्टिव कोर्सेज में कि ऑप्शनल कोर्सेज, कोई अगर कोई डिग्री करना चाहे कि दो में से ये ले लेगा या दूसरा ले लेगा जैसा भी, तो उसको वो डिग्री दे दी जाएगी। तो एक कोर्स, एक इलेक्टिव कोर्स तो अपने यहाँ पे संचालित है, लेकिन दूसरा कोर्स है नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स ने वो कोर्स को
अडॉप्ट किया है, उसको चूज किया, तो वो कोर्स के लिए तो कोई फैकल्टी नहीं है, तो उस कोर्स के लिए हम स्वयं कोर्सेज के ऊपर जा सकते हैं। फिर उसका उसके लिए जरूरी है कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करें, स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन उसमें प्रभावी ढंग से हो सके, नहीं तो कोई स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो हमारी सब कुछ जो किया काम है, जो हमने इतना मेहनत की है कि हमने जो अपने पूरा अमेंडमेंट किए सिस्टम में, जो कोर्स कोऑर्डिनेटर असाइन किया है, जो भी वो सब कुछ बेकार जाएगा। तो इसलिए जरूरी है कोर्स को रजिस्टर करेंगे स्टूडेंट्स, उसके साथ में उसका फिर स्टूडेंट्स का मूल्यांकन एंड मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अब इसमें जैसे कि हम जब इसको इंटीग्रेट करते हैं अपने सिस्टम में, तो जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स के माध्यम से, जो स्वयं प्लेटफॉर्म के माध्यम से जब हम करेंगे, तो आपस में किस तरीके से आपको स्टूडेंट्स के ओवरऑल मार्किंग करनी है, तो वहाँ आपका भी एक भागीदारी रहेगी कि कितना उसमें आपको वेटेज देना, किस तरह से मार्किंग करनी है, और फाइनली वहाँ से कितना उसको मार्क्स मिला है, क्या ग्रेड मिली है, तो आप अपनी डिग्री में उसको इंकॉर्पोरेट करके उसको जो भी डिग्री सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट, ये ठीक है, अभी हमने बात की कि किस तरह से इम्प्लीमेंट करें, किस तरह से अडॉप्ट करें, हमने क्रिएशन की बात नहीं की अभी तक। ईपीजी पाठशाला हम समझ सकते हैं कि ईपीजी पाठशाला में ये मैंने कल देखा था संस्कृत के ऊपर, हम समझ सकते हैं कि ईपीजी पाठशाला क्या है। ईपीजी पाठशाला काफ़ी जो किस वर्ष हो गया शायद 2017 से पहले की बात है, तब इसको लॉन्च किया था, और इसमें पीजी लेवल तक का कंटेंट अवेलेबल है। हम समझ सकते हैं कि ईपीजी पाठशाला कंटेंट कहाँ से लाएँ, स्टूडेंट मानते हैं कि टीचर्स नहीं है, क्लास नहीं लगती है, हम अकेले भी कुछ नहीं कर सकते हैं, सारे कोर्सेज पढ़ा भी नहीं सकते हैं, उनको चाहिए ऑथेंटिक कंटेंट। ऑथेंटिक कंटेंट कहाँ, अभी जैसे शुरुआत में मैंने बात की थी कि हाउ टू आइडेंटिफाई ऑथेंटिक कंटेंट, तो जैसे कि ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला के ऊपर, क्योंकि पहले का आई थिंक 77 सब्जेक्ट अब तो और भी बढ़ गए हैं इसमें, तो ये एनएमई आईसीटी नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जो कि 2009 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पहल थी जो लॉन्च किया था, उसके तहत इसकी स्थापना की गई है ईपीजी पाठशाला की। ईपीजी पाठशाला को इंप्लीमेंट सेंटर इसको मेंटेन करता है, इंप्लीमेंट सेंटर इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, ये गांधीनगर में स्थित है, समझते होंगे आपने नाम सुना होगा इंप्लीमेंट सेंटर का, नो आइडिया। मैंने अभी ये जैसे शेड्यूल में देखा कि अभी ये 5 अगस्त को परसों, हाँ, डॉक्टर अभिषेक कुमार साइंटिस्ट हैं इंप्लीमेंट सेंटर के, ये आएंगे वहीं से, तो वो आपको और अच्छे से इसके बारे में बताएंगे। तो इंप्लीमेंट सेंटर का जो ऑनलाइन एजुकेशन के जो भी नई नई प्रयास हैं उनमें बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें कुछ एक के नाम मैं बताना चाहूँ, मैंने बताया भी हालांकि, ईपीजी पाठशाला, विद्वान डेटाबेस, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ई शोध सिंधु, शोध चक्र, एर्निस डेटाबेस, ये सारे जो प्रयास हैं जो इंप्लीमेंट सेंटर के, जो कि मैं समझता हूँ कि जो परसों के दिन जो आपका ये सत्र होगा वो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि वहीं के जो रिसोर्स पर्सन रहेंगे, मैं तो खैर बस वैसे जनरल जानकारी दे सकता हूँ कि इसमें ईपीजी पाठशाला के ऊपर भी संस्कृत भाषा का जो पीजी लेवल का कंटेंट और दोनों ई कंटेंट सहित वीडियोस भी अवेलेबल हैं, क्विज भी अवेलेबल हैं काफ़ी हद तक। ये स्वयं प्लेटफॉर्म से पहले का प्रयास है, दरअसल स्वयं प्लेटफॉर्म से पहले का प्रयास है। जब स्वयं प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया तो इसके ऊपर अपडेशन इतना इसमें नहीं रहा है, क्योंकि सब कुछ पूरा कंटेंट उसके ऊपर चला गया, तो इसका कोई इतना वो नहीं गया, एक तरह आर्काइव में इसको हम यूज़ कर सकते हैं, इससे इसको पढ़कर इसको हम समझना हासिल कर सकते हैं, अपने जो भी कोर्स में कोई स्टूडेंट चाहे उसको पढ़ सकता है, लेकिन इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। सर्टिफिकेट प्राप्त करना है तो सिस्टमेटिकली स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर एनरोल करना होगा, तब पूरा 4 क्वाड्रेंट्स को कंप्लीट करते हुए जो भी पेज हैं वो सब। मैंने इसमें देखा कि ईपीजी पाठशाला में कल ही देखा था मैंने, आई थिंक 645 के करीब इसमें जो ई कंटेंट अवेलेबल है पीजी लेवल का सभी टॉपिक्स के ऊपर। मैं समझता हूँ 645 संस्कृत के अगर टॉपिक्स हैं तो पूरा का पूरा जो कि संस्कृत का सब कुछ जो पेपर्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, पीजी लेवल का कंटेंट, यूजी एंड पीजी दोनों, बहुत
जब पीजी लेवल का कंटेंट तो यूजी तो ऑटोमेटिकली उसमें सम्मिलित हो जाता है। नेक्स्ट कीजिए सर। अब हम बात करते हैं कि मूक्स जो कोर्सेज डिलीवर करना है हमको, ठीक है, एक तो लोकल लेवल पर, पहले हम स्वयं प्लेटफॉर्म के पर आने की तो बात आगे की है, बहुत आगे की है, उससे पहले हम अपने स्तर पर तो करके देखें उसको ट्रायल बेसिस पे अपने स्तर पर, कि उससे कोई जरूरी नहीं कि हम उसको सर्टिफिकेट दें, लेकिन किस तरह से इसमें चार कंपोनेंट फुलफिल होते हैं। इसके लिए देखिए वर्ल्ड वाइड जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें हम समझ सकते हैं कि मूडल, ओपन ईडीएक्स, सकाई, एंजल, ई ट्यूटर, कोर्स बिल्डर, ब्लैक बोर्ड, एक कैनवा भी है, कैनवा भी अच्छा है, ये वर्ल्ड वाइड फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं, ये कोई चार्ज नहीं करते हैं और इन्हीं वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम इनको जैसे इंस्टॉल करके इनको हम इनका यूज़ किस तरह से करना, किस तरह से इसमें अपनी क्लास बनानी है, किस तरह से इसमें जो फीस बनानी होते हैं, किस तरह से डिस्कस होम, किस तरह से अपने कंटेंट जो बनाया आपने स्टूडेंट के बीच में सर्कुलेट कर सकते हैं, तो पहले एक ट्रायल बेसिस पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं कि हम स्वयं के ऊपर जाने से पूर्व, स्वयं तो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म हो गया, उसमें जाने से पहले तो आपको ये अच्छे से इसके बारे में भली भांति ज्ञान होना ज़रूरी है, कि फिर नहीं तो वहाँ समस्या उत्पन्न होती है। स्वयं प्लेटफॉर्म जो कि इंडियन इनिशिएटिव, भारत का प्रयास है, जो शुरुआत में जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको निर्मित किया गया था। नेक्स्ट कीजिए सर। ये जैसा कि मूडल है, मूडल भी बहुत काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है, मैंने हालांकि ये इसको काफ़ी पहले से यूज़ करता हूँ, मैं 2018 में ज्वाइन किया मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी में, 2018 से मैं अपने स्टूडेंट्स को जो ई कंटेंट है जो मूडल प्लेटफॉर्म के जरिए उनको एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ, ई कंटेंट जिसमें ई कंटेंट में कोई भी वीडियोज़ हैं, कोई भी लिंक करके अपना कंटेंट, अपना बनाया हुआ कंटेंट, समस्या यानी कि हमने शेयर किया, बच्चे स्टूडेंट्स ने बोला कि हमें कंटेंट दे दीजिए, कंटेंट चाहिए, हम कैसे देंगे, प्रिंट आउट करके हम उनको शेयर करके, शेयरिंग का क्या तरीका, हम क्या मेल करेंगे, मेल पर भी वो पता नहीं डिलीट हो जाएगा, वो देखेगा नहीं कहीं शो नहीं होगा, ऐसा वैसा कई प्रॉब्लम आती है, लेकिन अपना खुद का एक सिस्टमेटिकली प्लेटफॉर्म जिससे कि हम मूक्स भी संचालित कर सकते हैं, तो उसी की पूर्ति करता है मूडल प्लेटफॉर्म जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मूडल इज एन ओपन सोर्स लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS डेवलप विद एजुकेशन एंड टीचिंग इन माइंड। मूडल इज लर्निंग प्लेटफॉर्म डिजाइन टू प्रोवाइड एजुकेटर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड लर्नर्स विद ए सिंगल रोबस्ट सिक्योर एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम टू क्रिएट पर्सनलाइज लर्निंग एनवायरमेंट। ये मूडल की जैसे कि अगर इसको सिनोनिम्स को कंप्लीट हम समझना चाहें तो मॉड्यूलर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनेमिक लर्निंग एनवायरमेंट ये प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, ये कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो कि मैंने अपना मूडल जो इंटरफेस है उसका, अगर कभी समय रहा तो मैं इसको बताऊंगा इसका प्रैक्टिकली किस तरह से इसमें करते हैं, कि ये इंटरफेस है, इसमें कोई मेरा एडमिन लॉगिन, जो भी मैं कुछ करना चाहूँ उसमें अपडेट, जो भी वीडियो कंटेंट क्विज असेसमेंट के लिए उसका एक लॉगिन है, और स्टूडेंट को जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल हैं उनको उनका यूज़र आईडी बना के उनको दे दिया, तो वो अपने स्तर पर वो अपडेट नहीं कर पाएंगे, ओनली एक्सेस कर पाएंगे, तो इस तरह का उसका ये होम पेज का है। नेक्स्ट, जैसे मूडल साइट का होम पेज जैसा मैंने बनाया, यूनिराज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम लिख दिया उसके बारे में कि क्या है ये, ऐसा वीडियोस को इंटीग्रेट किया, ये वीडियोस भी यूट्यूब से भी ले सकते हैं। एक बात समस्या एक आती है हमारे पास में कि इतना कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, वीडियोस की भरमार है, हम कोई एक गूगल के ऊपर क्लिक करते हैं तो हजारों लाखों करोड़ों असंख्य रिजल्ट्स निकलते हैं, लेकिन कौन से ऑथेंटिक है, किन को हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑनलाइन एनवायरनमेंट के ऊपर समस्या आती है कि कॉपीराइट इश्यूज़ की। मैं एक उदाहरण एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि अमिताभ बच्चन जो एक अभिनेता हैं, उनके जो पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, उनकी एक कविता थी
उस कविता को जो कुमार विश्वास हैं कवि, उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर उसको यूज किया। तो अमिताभ बच्चन ने उनके ऊपर कॉपीराइट का जो है ना मुकदमा कर दिया। अब ये क्या, एक सिर्फ मुकदमा किया इसका मतलब ये नहीं कि उनको बड़ा कुछ लॉस हुआ, ऐसा एक एक वो बताने के लिए कि किस तरह से मिसयूज करने से क्या हो सकता है, कुछ एक नॉमिनल कुछ पता नहीं नॉमिनल 40-50 रुपए या आई थिंक कुछ एक नहीं उनको उसका जुर्माना पे करना पड़ा कुमार विश्वास को, एक एक उसको सिंबॉलिक रूप से उसको बताने के लिए कि कॉपीराइट का कितना बड़ा इश्यू हो सकता है पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम किसी भी कंटेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत बड़ा वो मुद्दा है, जबकि हम एक ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन में, एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करते हैं, तो वहाँ बहुत ज़रूरी है कि ऑथेंटिक कंटेंट को हम यूज़ करें। एक जब ओपन एक्सेस की जब बात करते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की बात करते हैं, एक टर्म आती है ओपन एक्सेस की। ओपन एक्सेस में एक लाइसेंस होता है क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस, अगर नाम सुना आपने क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस। क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस आपको ये अनुमति देता है कि आप किसी भी के भी जो भी कंटेंट उसके दायरे में आता है, अगर उसको क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस दिया गया है तो कोई भी उसको शेयर कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, और नॉट ओनली उसको कमर्शियल यूज भी कर सकता है। उसके अलग अलग छः राइट्स हैं उसको, क्रिएटिव कॉमन्स की एक अलग लंबी क्लास होती है उसमें बताते हैं। तो ये जैसे कि अब ये यूट्यूब के ऊपर वीडियोज हैं, हम सोचे कि यूट्यूब के जो वीडियोज हैं क्या हम इनको अपने अपने सिस्टम में अपने मॉडल जो अपने खुद का सेल्फ मॉडल बनाए उसमें यूज कर सकते हैं, कर सकते हैं कि अगर वो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस के तहत उसको ये अधिकार सुरक्षित है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। और इसको कैसे पहचाने कि क्रिएटिव कॉमन्स में है या नहीं है, यही स्ट्रेटजी है कि हाउ टू आइडेंटिफाई राइट कंटेंट। जब हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं वीडियोस तो वहाँ फिल्टर का ऑप्शन आता है, फिल्टर के ऑप्शन में जाके देखते हैं तमाम तरह के फिल्टर हैं, वहाँ एक क्रिएटिव कॉमन्स का भी फिल्टर होता है, उसको सिलेक्ट करके आप देखेंगे जितने भी रिजल्ट 10,000 रिजल्ट आए वो आपके शॉर्ट होकर 100 रिजल्ट हो जाते हैं जो क्रिएटिव कॉमन्स के तहत फ्री हैं, उनका उनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट कीजिए सर। जैसे कि ये मैंने बनाया था कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन डिजिटल लाइब्रेरीज, इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर की ये मेरा बनाया हुआ है, अपने जो कि स्टूडेंट्स को जो एक्सेस देता हूँ, तो उसका पूरा कंटेंट इस तरह से इंटीग्रेटेड वे में हाइपर लिंक्ड वीडियो पीडीएफ फॉर्मेट में इस तरह से। नेक्स्ट ये डिस्कशन फोरम के लिए इस तरह का जो फॉर्मेट होता है कि कोई भी अपनी क्वेरी करना चाहता है तो अपना लॉगिन किया, किसी भी स्टूडेंट ने लॉगिन करने के बाद डिस्कशन फोरम में गए, वहाँ ऊपर का जो आइकन है वो सब्जेक्ट लिखा उसने और उसकी क्वेरी जो भी है उसका जो भी प्रश्न है उसका लिख दिया, और फाइनली जो इंस्ट्रक्टर के पास जैसे कि कोई भी स्टूडेंट करता है तो मेरे पास पहुँचता कि हाँ इसने ये क्वेरी की है, तो मुझे वहीं उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर रिप्लाई देता हूँ, तो उसके पास में जैसे लॉगिन करते हैं उसको पहुँच जाता हूँ। लॉगिन करने के साथ, और इसमें ये एक फैसिलिटी और है, लॉगिन के साथ में उसको ईमेल के ऊपर भी अलर्ट चला जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि वो इसको हमेशा ही देखे, एनी टाइम देखे, ईमेल भी अगर देखना चाहे तो ईमेल के ऊपर भी इसका रिप्लाई का प्रत्युत्तर मिल जाएगा। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है, हाउ टू डेवलप अपना खुद का जो मूक्स स्वयं के ऊपर किस तरह से चलाएं, डेवलप किस तरह से करें, हाउ टू डेवलप योर ऑन सब्जेक्ट्स मूक्स फॉर स्वयं। नेक्स्ट कीजिए। तो यहाँ इस स्टेप्स की जब बात करते हैं तो हमारे पास में जो कि ये कुछ स्टेप्स हैं, एलिजिबिलिटी एंड प्री रिक्वेस्ट्स, अबाउट कोर्स, अप्लाइंग फॉर मूक, फाइनेंशियल असिस्टेंस, फोर क्वाड्रेंट अप्रोच एंड टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, ये कुछ स्टेप्स हैं, इनको भली भांति समझना और इनको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, जैसे एलिजिबिलिटी एंड प्री रिक्वेस्ट की जब बात करते हैं तो इसमें जैसे कि अगर आप स्वयं के ऊपर कोई कोर्स चलाना चाहते हैं तो इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ फोर क्रेडिट कोर्स इज 13.5 लाख, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट है स्वयं के ऊपर जो भी कोर्स करना है तो गवर्नमेंट आपको 13.5 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करती है,
चार क्रेडिट का अगर आप कोर्स चलाना चाहते हैं तो इसकी योग्यता क्या है, कौन चला सकता? नॉट एनी वन, कोई भी नहीं चला सकता। पहले भी मैंने बताया था कि अगर कोई भी जो 2F एंड 12B जो इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालय आते हैं कोई भी आ सकते हैं, कि मैं समझता हूँ केंद्रीय विश्वविद्यालय तो आते ही हैं, राज्य जो सरकार के विश्वविद्यालय वो भी हैं, डीम्ड इंस्टीट्यूट भी हैं, जो भी उनके मेंशन होता है उनके अधिनियम में, और कम से कम उसको 5 साल का PG लेवल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो MOOCs के ऊपर अपना कोर्स स्टार्ट करना चाहें। आपको जरूरी है कि जो कि यूनिवर्सिटी और नेशनल MOOCs कोऑर्डिनेटर, जो मैं 9 नेशनल MOOC कोऑर्डिनेटर बताए, आप देखेंगे वो 9 नेशनल MOOC कोऑर्डिनेटर हैं जिनकी लिस्ट आप स्विम के ऊपर स्विम पोर्टल के ऊपर सबसे पहले होम पेज पे मिल जाती है, टैब भी बना हुआ, उस टैब के ऊपर क्लिक करते ही वहाँ पूरी लिस्ट मिल जाती है कि कौन सा कोऑर्डिनेटर किस कोर्स के लिए जो नियुक्त किया गया है। जैसे संस्कृत के मैंने कोर्स देखे, मैंने इग्नू में देखे थे, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में संस्कृत के कोर्सेज देखे थे, बाकी जैसे कि NP IIM में तो मैनेजमेंट के होंगे, IIT में जो कि इंजीनियरिंग फील्ड के होंगे, इस तरह से। तो नेशनल कोऑर्डिनेटर और आपकी यूनिवर्सिटी उनके बीच में सहमति जरूरी है। सेल्फ कैपेबिलिटी फॉर क्रिएशन ऑफ टीम, एडिक्वेट मल्टीमीडिया एनरिचमेंट, कमिटमेंट एंड ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, ये आपकी खुद की सेल्फ की योग्यताएं हैं कि आपकी खुद की कैपेबिलिटी है, खुद की क्षमता है कि आपको एक टीम क्रिएट करना है। खुद की टीम क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि आपको इंटर यूनिवर्सिटी टीम क्रिएट करना है, आपको अपनी दायरे से बाहर आकर दूसरी विश्वविद्यालय के जो भी शिक्षक हैं, आपके जो भी इंटरेस्ट रखते हैं उनको भी शामिल करना है। जैसे मैं समझ सकता हूँ कि सर यहाँ बैठे हैं, उन्होंने भी कई MOOCs कोर्सेज में हैं उनका वीडियोस, तो वो अपने यूनिवर्सिटीज के साथ में नहीं है, किसी दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ में उन्होंने कोलाब्रेशन करके अपनी टीम जो उन्होंने बना रखी है उसमें उनका सहयोग है, उनकी उनमें भागीदारी है। नेक्स्ट कीजिए, मार्केटिंग करना उसका, वो भी आप में उसकी कला होनी चाहिए किस तरह से मार्केटिंग करना है, क्योंकि अगर आपने मार्केटिंग नहीं की, जीरो एनरोलमेंट हुआ तो फिर नथिंग, फिर आपका कोर्स स्वयं के ऊपर फिर कोई मायने नहीं रखेगा। एलिजिबिलिटी एंड प्रीरिक्विजिट्स, इट इज इफ प्राइवेट पर्सन और ए प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वांट टू डेवलप ए कोर्स, दे कैन आइडेंटिफाई ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन ऑथराइज टू ऑफर कोर्स। तो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन करना चाहे तो उसको भी जरूरी है कि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ऑथराइज करवाए उस चीज़ को कि हाँ वो उसके लिए सक्षम है। MOU बिटवीन द टू डिफाइनिंग रोल्स कैन बी फॉर्मुलेटेड एंड लेटर अप्रूवल बाय द नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो दोनों के बीच में वो एक MOU साइन होगा कि हाँ आपको ये चार क्रेडिट का कोर्स संचालित करना है, आप उसको सही ढंग से चला पाएंगे, यूनिवर्सिटी जो उसका एक होस्ट इंस्टीट्यूशन रहेगा, तो दोनों के बीच में समन्वय जो किया जाएगा, MOU साइन होगा, तभी वो आगे उसकी अनुमति प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, डेवलपिंग क्रेडिट कोर्सेज सेलेक्टेड पेपर विच इज हाई डिमांड एंड कैन हाई लार्ज नंबर ऑफ टारगेट ऑडियंस, अपने जो भी स्टूडेंट्स में जो कि डिमांड है कि हाँ ये कोर्स तो करवाना ही चाहिए, इसकी अपने यूनिवर्सिटी नहीं आउटर साइड भी बाहर भी अगर उसकी ज़्यादा डिमांड है, मैं समझ सकता हूँ कि कोई कॉमन कोर्स, कॉमन इंटरेस्ट का कोर्स, कोई भी जैसे संस्कृत लैंग्वेज में कोई कॉमन इंटरेस्ट का कोर्स, जैसे व्याकरण है, सभी व्याकरण तो सबसे एक मूलभूत जरूरी है, संस्कृत व्याकरण उसके ऊपर भी एक कोर्स चलाना चाहिए, तो मैं समझ सकता हूँ कि सभी और भी बाहर के भी यूनिवर्सिटीज के कोई भी लर्नर इसको इंटरेस्ट रखेंगे, और अपने भी अगर सिलेबस में कहीं ना कहीं उसका कोई पेपर है तो वो भी उसकी भी पूर्ति हो पाएगी। कंसल्ट स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ सेवरल यूनिवर्सिटीज बिफोर फाइनलाइजिंग द सिलेबस ऑफ द कंसर्न सब्जेक्ट, आपको जरूरी है कि अपने सब्जेक्ट का जो कोर्स संचालित करना, साथ में दूसरी भी कई जो यूनिवर्सिटीज़ है, नामी यूनिवर्सिटीज़ है जिनका अच्छा अपने विषय में स्थान है, उनकी सिलेबस को भी देख लेना चाहिए ताकि वो कंपोनेंट अधूरा नहीं रह जाए। नेक्स्ट कीजिए, क्रेडिट मॉड्यूल एंड ड्यूरेशन, इसमें हम देख सकते हैं कि डिसाइड द टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट्स, आपको टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट डिसाइड करने होंगे, एक कोर्स के लिए कम से कम 4 क्रेडिट जैसे मैंने बताए
नंबर ऑफ मॉड्यूल्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, कितनी ड्यूरेशन का आपको कोर्स करवाना है, एक वीक, 15 दिन का, 2 वीक का, 1 महीने का, या जो भी 3 महीने का, डिसाइड पहले करना होगा। वन क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 13 and 15 hours ऑफ लर्निंग। ये भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात करते हैं बार बार कि क्रेडिट की, क्रेडिट का मतलब होता क्या है, क्रेडिट का मतलब है कि आपको कम से कम 13 से 15 घंटे की क्लास, 13 से 15 घंटे की एक क्लास, ऑनलाइन क्लास जरूरी है उसमें। द नंबर ऑफ क्रेडिट्स में रेंज ऑफ 2 to 6, 2 से 6 क्रेडिट की रेंज हो सकती है किसी भी कोर्स में, कम से कम 2 और अधिकतम 6, मेजर 6 से ज़्यादा भी होते हैं वैसे। मेजोरिटी पीजी लेवल के कोर्स है 4 क्रेडिट पर पेपर, हर पेपर के 4 क्रेडिट पीजी लेवल के लिए गए हैं। 4 क्रेडिट्स मीन्स 4 लेक्चर पर वीक। हम समझ सकते हैं कि हमारे जो CBSE सिस्टम या सेमेस्टर बेस सिस्टम में भी जो क्रेडिट सिस्टम चलता है उसमें क्रेडिट का मतलब है कि घंटे, कि आप अगर 4 घंटे कोर्स है तो वीक में 4 क्लास जरूरी है। डिवाइड द कोर्स कंटेंट्स इनटू मॉड्यूल्स, वन कोर्स कैन मैक्सिमम 40 मॉड्यूल्स, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स में रेंज 10 to 20 weeks डिपेंडिंग ऑन योर कोर्स कंटेंट, डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कंटेंट किस तरह का, तो आप 10 से 20 वीक के बीच में इसको डिवाइड कर सकते हैं। नाउ फ्रेम द ऑब्जेक्टिव्स, लर्नर्स आउटकम, कोर्स कंटेंट एंड एवलेशन क्राइटेरिया, कि आपको ये डिसाइड करना होगा एक यूनिवर्सिटी स्तर पर या एक एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर स्तर लेवल, कि आपको इस कोर्स को करने के क्या फ़ायदे होंगे, लर्नर्स को क्या फ़ायदे होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस कोर्स का, लर्निंग आउटकम क्या आने वाला है, इसके क्या लर्निंग आउटकम क्या होगा, और कोर्स कंटेंट कहाँ से आपको इसको क्रिएट करना, कैसे क्रिएट करना, इन सब के बारे में आपको पहले से प्री डिसाइड करना पड़ेगा। और एवलेशन का क्राइटेरिया, इसका मूल्यांकन का क्या मापदंड होंगे, ये पहले आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट, ये देखिए, अब इतना सब कुछ करने के बाद अब हम MOU साइन कर लिया, नेशनल कोऑर्डिनेटर यूनिवर्सिटी, इनके बीच में हम इंटरेस्ट भी रखते हैं, हमने अपनी टीम भी बना ली, अपने पास सब कुछ, पूरी व्यवस्था है सब कुछ। उसके बाद में आपको करने के लिए एक छोटा 3 से 5 मिनट का अपने कोर्स का एक वीडियो तैयार करना है, इंट्रोडक्टरी वीडियो, क्रिएट इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ पोस्ट कोर्स 3 to 5 मिनट्स ड्यूरेशन हाईलाइटिंग इट्स ऑब्जेक्टिव, जिसमें ये सब कुछ कंप्लीट होने चाहिए कि क्या उसका उद्देश्य है, लर्निंग आउटकम्स है, ब्रीफ स्ट्रक्चर है, इंगेजमेंट ऑफ टाइम्स है, द वीडियो शुड बी अपीलिंग एंड इंफॉर्मेटिव फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स उसके प्रति आकर्षित हो सके कि हाँ ये कुछ काम का कोर्स हो सकता है, काम का पेपर हो सकता है, तो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया जाता है। नेक्स्ट कीजिए, जैसे वीडियो बनाया, उस वीडियो को जो आपने प्रपोजल तैयार करना है, और उसको एक कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन है, CEC नई दिल्ली में है, ये जो आप संस्कृत यूनिवर्सिटी है वहाँ पर उसके पास में इसका ऑफिस है, उसे विद इन 2 किलोमीटर में देखा था वहाँ, तो उसके वहाँ पर आपको ऑनलाइन इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में वहाँ से वहाँ की टीम होती है, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो भी टीम है वो अप्रूव कर देती है, अगर आपका सेक्रेटरी होता है तो आपको उसकी परमिशन दी जाती है कि आप अपना मुख संचालित कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने बताया कि फंड फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह से मिलता है, 13.5 लाख का मिलता है UGC की तरफ से, मुख किसी भी मुख कोर्स चलाना है, आपको आफ्टर रिसीविंग प्रपोजल, जैसे प्रपोजल रिसीव कर लिया और शॉर्टलिस्ट किया UGC ने, तो शुरुआत में आपको 10% जो 13.5 लाख है उसका दे दिया जाता है, और 1 वीक का जैसे मॉड्यूल कंप्लीट होता है, अप्रूव होता है, तो आपको 70% जो ग्रांट है वो दे दी जाती है, और रिमेनिंग 20% इज रिलीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स, कंप्लीट कोर्स समाप्ति के बाद में 20% की जो सहायता राशि है वो भी प्रदान कर दी जाती है। नेक्स्ट, इस तरह से 4 क्वाड्रेंट जो आपको इनको कंप्लीट करना है, जैसे आपको अप्रूवल मिल जाता है, और अप्रूवल मिलने के बाद में जो ग्रांट का यूज़ करना है, कि आपको सब कुछ चाहिए होगा, 13.5 लाख जो अमाउंट मिलेगा उसमें आपको जैसे कि कंप्यूटर चाहिए, वीडियो बनाने, वीडियो के जो भी इंस्ट्रूमेंट चाहिए, कैमरा चाहिए, ये सब कुछ आप उनसे परचेज कर सकते हैं, जो उनका पूरा एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, ये अबाउट वीडियो के बारे में, कि वीडियो कैसा होना चाहिए, वीडियो जो आप इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाना है उसको किस तरह से होना चाहिए, इसका फोन साइज, ये उसके बारे में बात की गई, कि एक अट्रैक्टिव, ऐसा नहीं कि जैसे कि इंस्ट्रक्टर है जो वीडियो बना रहा है, इस तरह से नहीं कि हाँ सामने कुछ रखा हुआ है
और वो उसको पढ़ के बोल रहा है, ठीक है कि हाँ पढ़ के बोला, लेकिन कम से कम इंट्रैक्शन फेस टू फेस होना चाहिए। सामने अगर आपने इस तरह से दिख रहा है तो वो उसको माना नहीं जाएगा, उसको परमिशन नहीं दी जाएगी, उसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि और फ़ॉन्ट साइज, हेडिंग साइज, सब हेडिंग साइज, जो भी कंटेंट आप शेयर करेंगे उनके साथ में, उसकी गाइडलाइन है। नेक्स्ट अबाउट द वीडियोस, तो उसको परमिशन, यूनिवर्सिटी लोगो, देखिए आपने अगर स्वयं कोर्स आपको चलाना है तो यूनिवर्सिटी लोगो, अपना नाम, कोई एनिमेशन, इनकी परमिशन नहीं है। आपको अगर मुफ्त चलाना है यूजीसी एचआरडीसी के स्वयं प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो आप यूजीसी एचआरडीसी और स्वयं के लोगों का यूज कर सकते हैं अपनी वीडियो में। नेक्स्ट, ये कंटेंट के लिए कि आपको डॉक्यूमेंट फाइल किस तरह से होनी चाहिए, जैसे कि आपको, हमने बात की ई कंटेंट की, फोर क्वाड्रेंट है, फोर क्वाड्रेंट में एक इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट है ई कंटेंट, जैसे पीडीएफ या डॉक्यूमेंट फाइल है, तो कम से कम ये बात कही गई है कि ई कंटेंट में एक फाइल में लगभग 3000 वर्ड्स का एक ई कंटेंट इस एक टॉपिक की जरूरी है। ऐसे नहीं कि हमने 500 वर्ड का 1000 वर्ड का बना दिए, 10000 वर्ड का बना दिए, वो परमिशेबल नहीं है। आपको 3000 वर्ड की परमिशन है 8-10 पेजेस के लिए। इमेजेस, हैंड ड्राइंग, मैप्स, ग्राफ्स, इनका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पेजेस, हाँ ये एक ये भी है कि ये बहुत ज़रूरी है कि ये सब कुछ ई कंटेंट जो आपने उसमें वहाँ अपलोड करेंगे तो साहित्यिक चोरी से मुक्त होना चाहिए, प्लैगराइज फ्री होना चाहिए। इसके लिए जो स्वयं यूजीसी आपको एक सॉफ्टवेयर का जो लिंक देती है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है उर्कुंड। उर्कुंड अब उसका नाम ओरिजिनल हो गया, वैसे पिछले साल से ओरिजिनल, तो उस ओरिजिनल का लिंक देती है। तो आपको अपना कंटेंट बनाने के बाद में उसमें अपलोड करना है, और उसकी जो भी गाइडलाइन है कि 10% से ज़्यादा वो अलाउ नहीं है, 10% से ज़्यादा होगा तो वो माना नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको उसका देना पड़ता है उसका अंडरटेकिंग। नेक्स्ट कीजिए सर, नेक्स्ट सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में भी आपको 10 से 15, हर वीक का जो भी आप क्विज तैयार करते हैं तो हर वीक के लास्ट में 10 से 15 क्विज क्वेश्चंस हर मॉड्यूल के देने होंगे, और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स दे सकते हैं आप, ट्रू फॉल्स दे सकते हैं, सत्य असत्य इस तरह के सही गलत वाले, मैचिंग कॉलम मैच के क्वेश्चंस हर वीक के लिए, असेसमेंट प्लान, आप ग्रेडिंग स्कीम को करना है, मार्क्स देना है, परसेंटेज करना है, इन सब का आपको, पजल्स, क्विज, फाइनल एग्जाम, इन सब का आपको ध्यान रखना होगा सेल्फ असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट लर्न मोर, लर्न मोर में जैसे कि आपने अपना खुद का सेल्फ कंटेंट तैयार किया, लर्न मोड में जैसे सेल्फ असेसमेंट ई कंटेंट तैयार करने के बाद में अगर आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को ये भी बहुत यूजफुल हो सकता है, तो आप फर्दर रीडिंग के लिए भी उनको लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप वहाँ से भी अधिक जानकारी के लिए इन सोर्सेज का भी यूज कर सकते हैं लर्न मोड में। ये लर्न मोड की फैसिलिटी हालांकि ईपीजी पाठशाला में भी अवेलेबल है, कोई भी कोर्स, कोई टॉपिक को आपको सर्च करना, एक लर्न मोड का भी टैब मिलता है, वहाँ जाके आपको उसके बारे में और भी डिटेल से जानकारी चाहिए तो वो मिल जाएगा। नेक्स्ट टीम ऑफ एक्सपर्ट्स, किस तरह का टीम आपको करना है, टेक्निकल रिव्यूअर कि आपको जैसे कि पूरी टीम तैयार करनी, आप ईपीजी पाठशाला के किसी भी कंटेंट को उठा के देखिए, वो पूरी टीम है, कोऑर्डिनेटर कौन है, कंटेंट रिव्यूअर कौन है, कंटेंट राइटर कौन है, पूरी टीम तैयार करनी पड़ती है, फिर कंटेंट को रिव्यू करना पड़ता है, फिर फाइनल आपको ही करना होगा जो कोर्स कोऑर्डिनेटर होगा। नेक्स्ट इस तरह का जो कि यूनिवर्सिटी को लेटर हेड के ऊपर, यूनिवर्सिटी लेटर हेड को इस तरह का जो अंडरटेकिंग देना पड़ता है कि हाँ आपका कंटेंट जो प्लेगराइज फ्री है, साहित्यिक चोरी से मुक्त है, और आप इसके लिए एग्री हैं कोर्स चलाने के लिए। नेक्स्ट अब ये मूक्स की हम चर्चा कर चुके हैं, हाउ टू डेवलप योर ऑन सब्जेक्ट मूक्स। आगे जैसे अगर हम बात करें डेमोंस्ट्रेशन सेशन की, तो हम इनको, मैं समझता हूँ कि आप अपने स्तर पर इनको देखना चाहिए, या कभी आगे मौका मिला तो मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। मैं स्वयं यूजीसी मूक्स, अर्पित, अर्पित आपने नाम सुना होगा, अर्पित, व्हाट इज अर्पित, नो, हम जैसे कि एज असिस्टेंट प्रोफेसर सीनियर स्केल या एसोसिएट के लिए या एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं कि हमको रिफ्रेशर कोर्स करना होता है,
एफडीपी प्रोग्राम्स करने होते हैं जैसे कि इस तरह के, तो जो रिफ्रेशर कोर्स होता है जो यूजीसी का जो स्वयं प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अर्पित नाम से एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग, टीचिंग में आपको जो रिफ्रेशर प्रोग्राम सब्जेक्ट स्पेसिफिक वहाँ पर अवेलेबल है। मैंने भी किया था एक बार ऑनलाइन रिफ्रेशर प्रोग्राम जैसे अर्पित, तो सब कुछ ऑनलाइन होता है, एग्जाम उसको होता है, सब कुछ आपको वीकली देखना पड़ता है, वो फीस होते हैं, सब कुछ होता है, फिर फाइनली आपको एग्जाम होता है जो कि बाहर सेंटर पर जाकर ऑनलाइन एग्जाम देना पड़ता है। स्वयं प्रभा जो कि आई थिंक 62 अबो चैनल्स हैं उनकी एक डीटीएच चैनल्स की पूरी एक लैब है, पूरा हर सब्जेक्ट के चैनल वीडियोज मिलेंगे स्वयं प्रभा के ऊपर। NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, जो हम बात करते हैं क्रेडिट, किसी स्टूडेंट ने समझा कि कोर्स किया लेकिन अधूरा कर किया, जितना किया उस क्रेडिट का आगे यूज होगा, वो क्रेडिट आपके नेशनल एकेडमिक जो बैंक है इसका भी जो आप उसमें सेव हो जाएगा क्रेडिट बैंक में। गवर्नमेंट ने जो UGC ने एक क्रेडिट बैंक भी स्थापित किया, उस क्रेडिट बैंक में आपका जो क्रेडिट है वो सेव रहेगा, आप अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहें तो वो दूसरे कोर्स में ट्रांसफर हो जाएगा, इस तरह की एक योजना है। मल्टीपल चॉइस एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम, कि आप मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं उनसे, और किसी दूसरे के साथ में कस्टमाइज करके और उसको उसकी डिग्री के लिए जो भी आप चाहें उसके इक्विपमेंट बना सकते हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, आपने नाम सुना होगा NED के बारे में मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जब कभी भी कोई रिक्रूटमेंट होते हैं, भर्ती होते हैं और या कहीं भी एक समस्या आती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के में काफ़ी समय लग जाता है, तो मैं भी भर्ती हुआ, मेरे भी डॉक्यूमेंट ओरिजिनल रख लिए गए कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए रखे हैं, और वो कोई 3 साल बाद में मुझे मिले, 3 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन के लिए। तो नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी में क्या है कि जो आपको अपना एक रजिस्टर करना है, अपना जो यूज़र आईडी बनाना है और अकाउंट वहाँ ओपन हो जाएगा आपका, अपने सारे सर्टिफिकेट जो सब कुछ उसमें मिलेंगे, जो एक NAD आईडी मिलेगा, तो कोई भी जब कभी भी हम करेंगे उसमें अप्लाई करेंगे किसी भी कोर्स के लिए, नॉट ओनली कोर्स, कोई भर्ती के लिए, तो आपको NAD आईडी देना पड़ेगा, बस कोई अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है, बस NAD आईडी दिया ऑटोमेटिक सारी आपकी इंफॉर्मेशन फेस होके वहाँ पहुँच जाएगी NAD के थ्रू। तो एक ऑथेंटिसिटी वेरिफिकेशन, ये सारे काम इजी गोइंग सोल्व हो जाएंगे आगे के समय में, ऐसी गवर्नमेंट की योजना है, लेकिन हम कितना उनको यूज़ करते हैं, कितना हम उनसे अवेयर हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यहाँ पर करोड़ों की संख्या में ई कंटेंट अवेलेबल है, क्या हमने देखा, जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव IIT खड़गपुर ने इसको शुरू किया था काफ़ी समय पहले, जो अब पूर्णतः जो वर्किंग है, ये मॉडल, ये जैसे कि ये कुछ डेमोन्स्ट्रेशन सेशन अगर रखें तो मैं समझता हूँ कि इन टॉपिक्स के ऊपर हम रख सकते हैं, कि स्वयं के ऊपर एक सेशन पूरा होना चाहिए, यूज मूव सर्फेस मॉडल के ऊपर, जैसे कि हाउ टू क्रिएट योर कोर्स फॉर मॉडल, क्रिएटिंग ए वीडियो लेक्चर, अब जैसे कि वीडियो लेक्चर तैयार करने हमने सोचा कि ई कंटेंट तैयार करना था, वीडियो ट्यूटोरियल भी तैयार करना, वीडियो ट्यूटोरियल तैयार करने के लिए भी कुछ टूल्स एप्लीकेशंस हैं, जिसमें काफ़ी कई एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिससे बहुत इफेक्टिव वीडियो आप बना सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे कि वीडियो जो चल रहा है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप वीडियो बनाना चाहें, खुद का सेल्फ वीडियो बनाना चाहें या कुछ डेमोन्स्ट्रेट करते हुए वीडियो बनाना चाहे, इसी को हम ऐसे टूल से कर सकते हैं, जैसे कि एक ZD सॉफ्ट करके सॉफ्टवेयर है, स्क्रीनकास्टिफाई सॉफ्टवेयर, कई तमाम तरह के सॉफ्टवेयर हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग एप्लीकेशन, ऑनलाइन क्विज, आपको जैसे क्विज बनाना है, क्योंकि पहले हम सीखे तो सही क्विज, स्वयं के ऊपर जाने से पहले एक खुद को बनाना तो आना चाहिए कि ऑनलाइन क्विज बनाते कैसे हैं। गूगल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक इंटरफेस देता है क्विज बनाने का, तो मैं समझता हूँ कि उसके बारे में भी आपको जागरूक होना चाहिए। ई कंटेंट, जब हम ई कंटेंट की बात करते हैं,
ई कंटेंटमेंट डॉक्यूमेंट फाइल, पीडीएफ फाइल, पीपीटी, इमेज वगैरह ये सब कुछ शामिल करते हैं, तो इनकी भी किस तरह की क्वालिटी होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में हमको इनको शेयर करना है, ये सब कुछ कई टूल्स हैं। आप देखिए कि कोई भी हम कंप्यूटर खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदने के बाद में उसमें एक सॉफ्टवेयर होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जनरली हमारे सिस्टम में विंडोज़ का यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। विदाउट विंडोज़ का लेते हैं तो हमको सस्ता पड़ता है, और विंडोज़ को लेते हैं तो हमको करीबन 10-12 हज़ार रुपये महंगा पड़ता है। अब प्रेजेंट में जो है ओपन एक्सेस के ऊपर सबसे बड़ा फोकस किया जा रहा है, सब कुछ ओपन है, फ्री है, लेकिन हम फ्री वाला यूज नहीं लेना चाहते। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज़ करते हैं कोई वर्ड की फाइल में टाइप करने के लिए, लेकिन हम ओपन ऑफिस पैकेज का यूज़ नहीं करते, जबकि वो उससे भी ज़्यादा फीचर है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ओपन ऑफिस पैकेज है, ये भी एक सप्लीमेंट है एमएस ऑफिस का, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो कि ओपन ऑफिस पैकेज लेंगे वो पेड है। तो इस तरह की जो कि जानकारियाँ हैं, तकनीकियाँ हैं, बहुत ज़रूरी है कि आगे ऑनलाइन कोर्सेज या मूक्स को आगे प्रभावी ढंग से चलाने के लिए बेसिक्स इनका जानना ज़रूरी है। इसी के साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू। एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाएंगे सर, एक बार लास्ट वाली स्लाइड, इससे पहले वाली स्लाइड ये देखिए। जैसे कि अभी क्रेडिट मैंने बताया था कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने अभी तक एनरोल इसके लिए किया, 149 यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट किया है क्रेडिट ऑफ स्वयं मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। स्वयं के जो कोर्सेज उनको एडोप्ट करना है अपनी यूनिवर्सिटी के लिए, जो 149 इतनी हज़ारों यूनिवर्सिटी उनमें से 147 यूनिवर्सिटीज़ ने किया, पूरी इसका वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी 26 ने किया, स्टेट यूनिवर्सिटी 48 ने किया, डीम यूनिवर्सिटी 23 ने किया, प्राइवेट यूनिवर्सिटी 2 ने किया। तो ये बहुत कम रेशियो है। मैं समझता हूँ कि इस रेशियो को बढ़ाने के लिए हमारी भागीदारी, सक्रिय भागीदारी बहुत आवश्यक है। धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न हो तो बता दीजिए, जिज्ञासा है प्रश्न। सर मेरे एक जिज्ञासा है, ये जो बुक्स के जो लेसन है, और यदि हम इसको हमारी यूनिवर्सिटी या हमारे सर्वर पर डेवलप करते हैं जी, तो हमारे को NIRF में बिल्कुल सर उसमें बहुत उसका लाभ मिलेगा। उसका उसमें आप NIRF की अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका उसका क्राइटेरिया देखेंगे कि किससे ग्रेडिंग आपका बनता है, तो उसमें ऑनलाइन कोर्सेज को भी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसमें उसका वेटेज है, कि इसमें सबका वेटेज है। मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम पर्सनल ग्रोथ करते हैं खुद के लिए भी, तो पूरा ओवरऑल पूरे यूनिवर्सिटी के लिए उसका वेटेज जाता है नेक की ग्रेडिंग के लिए। तो इसमें ये ऑनलाइन कोर्सेज है, मूक्स कोर्सेज है, ये सबका बहुत योगदान है। एतेषां बहु विशिष्टं व्याख्यानं वर्तते। एतेषां व्याख्यानेन वयं सर्वे लाभान्विताः, अतः कोटिशः धन्यवादाः। अग्रे अध्यक्षे उद्बोधनाय अहं निवेदयामि माननीयः कुलपतिमहोदयः। सच्चिदानन्दरूपाणि विश्वोत्पत्यादिहेतवे आपत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संकाय विकास कार्यक्रम की इस कार्यशाला में आज इस सत्र के विशिष्ट वक्ता डॉक्टर विजेंद्र कुमार ने बहुत ही महनीय वक्तव्य दिया, और आज के लिए यह बहुत ही समसामयिक विषय है। विद्वानों में जो भी कुछ विद्याएं व्यक्त करने का अवसर नहीं मिल रहा है,
बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं इस देश में जिनको छात्र नहीं मिल रहे हैं, संसाधन नहीं मिल रहे हैं कि उनकी विद्या से लोग लाभ उठा सकें। उस दिशा में यह एक क्रांतिकारी कदम है जिसके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से हम लोग शास्त्रों का पूरे विश्व में, देश में शिक्षण प्रशिक्षण कर सकते हैं। महाकवि कालिदास ने तो बहुत पहले कह दिया था कि श्लिष्टा क्रिया कश्चित् आत्म संस्था संक्रांति रण्यस्य विशेष युक्ता। यह जो क्रिया हमारी शिक्षण क्रिया है यह कुछ लोगों में श्लिष्ट होके रह जाती है, आत्मसात करके बैठे हुए हैं, बताने का अवसर नहीं मिल रहा। आत्म संस्था सा क्रिया, वह क्रिया आत्मस्थ है, सारे शास्त्र रटे हुए हैं, सारे शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन हम उसका उपदेश नहीं कर पा रहे हैं, उसको बता नहीं पा रहे हैं। इस शिक्षा नीति के द्वारा, इस नई शिक्षा नीति में जो भी ऑनलाइन माध्यम से पठन पाठन का यह उपक्रम शुरू हो रहा है, इसका संदेश उसी समय महाकवि कालिदास ने किया था। और बिना इसके संक्रांतिरण्यस्य विशेष युक्ता, जब तक हम संक्रांति न कर दें, उस ज्ञान का संक्रमण न कर दें, तब तक उसमें वैशिष्ट नहीं रह जाता। यह जो संक्रमण है कक्षाओं में जिज्ञासुओं के अभाव जरूर हैं, लेकिन देश में विश्व में शिक्षा जिज्ञासुओं के अभाव नहीं, तो हम इसका संक्रमण कर सकते हैं, इसका हम शिक्षण कर सकते हैं, उपदेश कर सकते हैं। और यत्रोभयम् साधु शिक्षकाणां धुरि प्रतिष्ठापयत्येव कात, जहां ये दोनों तो उनका भी क्या कहना, तो हम लोगों के पास ये दोनों है, हम इसको पूरे विश्व में भी प्रचारित कर सकते हैं, प्रसारित कर सकते हैं। हमारे विद्वान शिक्षक उन विद्याओं को आत्मसात करके बैठे हुए हैं, लेकिन सुनने वाले लोग नहीं, समझने वाले नहीं हैं, जिज्ञासुओं की बड़ी किल्लत है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं किल्लत शब्द ही यहाँ आ गया, मिल नहीं रहे। इस दिशा में हमारा विश्वविद्यालय, मैं आपको अवगत कराऊं कि चल पड़ा है, विश्व संस्कृत शिक्षण प्रकल्प के नाम से एक संकल्प हम लोगों ने लिया है, जो कि हमारे युवा साथी डॉक्टर संदीप जोशी जी ने तैयार किया है, और पूरे विश्व को इन्होंने तो निःशुल्क पढ़ाने की संकल्पना कर रखी है। इन्होंने सारा का सारा पाठ्यक्रम बना लिया है, सारा सिस्टम डेवलप कर लिया है। अगली जो हमारी विद्या परिषद की बैठक है उसमें ये आने जा रहा है, जितने भी हमारे शास्त्र हैं, हमारे जितने भी शिक्षक हैं, ये ऑनलाइन माध्यम से इसका पठन, इसका अध्ययन, इसका शिक्षण करेंगे। यही एक बात समझ में नहीं आ रही थी जो आज आ गई कि आखिर इसका उपयोग किस रूप में होगा। तो अब जब हमारे पास अधिकृत रूप से, आधिकारिक रूप से इसके उपयोग के संसाधन हैं, उपलब्ध हैं, तो हम अब इस माध्यम से शिक्षण तो करेंगे ही, उपाधियां भी देंगे, उनसे शुल्क भी लेंगे, और अपने इस विश्वविद्यालय के साथ पूरे विश्व को जोड़ लेंगे। अगला जो विद्या परिषद की बैठक है उसमें ये विषय आने जा रहा है। मैं संदीप जी से ये अपेक्षा करूंगा कि बड़े संक्षेप में इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें, यहाँ सारे शिक्षक हमारे उपस्थित हैं, ये इसको हाँ ठीक है, चलिए ठीक है। तो इस कार्यक्रम का जो अध्यक्षीय उद्बोधन के रूप में आपने हमसे इच्छा की, बड़े संक्षेप में मैं इस पर चर्चा करके, क्योंकि ये चलेगा एक सप्ताह तक, तो जो भी नए नए वक्तव्य हम लोगों के
पास हैं उन सब का हम यहाँ प्रतिदिन अवगाहन करेंगे और बोधन कराएंगे। इन शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत धन्यवाद। आज के इस प्रथम दिन के इस विशिष्ट कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे सभी आचार्यगण और विशेष रूप से आज के विशिष्ट वक्ता, जिन्होंने एक नई प्रेरणा, नई चिंतन की दिशा में हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया, तो हम सभी आभारी हैं। और माननीय कुलपति जी का आशीर्वाद, उनका शुभ संदेश, उनकी शुभाकांक्षा हमें प्राप्त हुई है, उनका सानिध्य हमें प्राप्त होता है, तो उनके भी सादर अभिनंदन पूर्वक उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और एक निवेदन मैं जरूर आप लोगों से सबसे करूँगा कि इस विषय की महत्ता को देख करके कि अपने जितने भी अध्यापक हैं वो तो उपस्थित होने का प्रयास करें ही, जो शोध विभाग के हमारे जितने छात्र हैं या अन्य वरिष्ठ जो छात्र हैं उन तक वहाँ अपनी सूचना अपन दें कि अपना ये जो कार्यक्रम चल रहा है एक सप्ताह का, ये बहुत ही उपयोगी है आज के लिए और विश्वविद्यालय के लिए, आगे के जीवन के लिए। तो सभी को सूचित करें और सभी बिल्कुल निश्चित समय से पहले, 5 मिनट 10 मिनट पहले यहाँ आकर के विराजमान हो जाए। और कल और इसी तरह से एक सप्ताह तक प्रतिदिन नए नए हमारे बाहर के अतिथि विषय विशेषज्ञ होंगे जिनका व्याख्यान होगा, ये बहुत अच्छा सौभाग्य हम सब के लिए। इसी के साथ मैं एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। मैं माननीय कुलपति महोदय जी से निवेदन करूँगा कि जो हमारे विषय विशेषज्ञ आए उनको प्रमाण पत्र प्रदान करने की अनुमति।